आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास का अगर आप बुकिस डेफिनेशन देखोगे तो पहले मैं आपको बुकिस डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसके बाद फिर उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। बुकिस डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास का यह कहता है कि जैसे अगर मान लो एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के लिए हम पूछते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, तो वो कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है उस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें आप पूरा का पूरा मास को कंसेंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं, मतलब एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का सारा मास को, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर रिप्लेस करके एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो कहाँ पे आप चाहते हो, कहाँ पे आप उस पॉइंट मास को रखो, उसको ही बेसिकली हम उसका सेंटर ऑफ मास कहते हैं। बट जब कोई ये कहता है तो उससे कुछ समझता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैंने बोला ये बॉटल है, मैंने बोला इस बॉटल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है, तो मैंने बोला कि इसका पूरा का पूरा मास को मैंने कंसेंट्रेट करके यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया। अब इसका मतलब क्या है ये कोई समझता नहीं है। समझने के लिए जस्ट मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ, या मैं श्योर हूँ कि सबने किया होगा। आपने पेन फाइट खेला है टेबल पे? पेन फाइट कितने लोगों ने खेला टेबल पे? सबने खेला है पेन फाइट? ओके, काफी लोगों ने पेन फाइट खेला है, ठीक है, चलो गुड, काफी लोगों ने खेला है, तो कम से कम पता तो है ना सबको किनों के पेन फाइट कैसे खेलते हैं। तो आपको बेसिकली एक पेन को टेबल पे रखते हैं, आपका एक पेन होता है और एक दूसरा एक ओपोनेंट का पेन होता है, आप एक एंड से आप मारते हो, दूसरे एंड से वो मारता है, और जिसका टेबल से गिरा दिया अपने पेन को वो जीत गया, है ना। तो अभी क्या है कि सपोज ले आप पेन फाइट करते हो, तो आपको पता है ना कि पेन को कहाँ पे स्ट्राइक करने से कैसा मोशन होता है, ये तो पता है ना आपको। जैसे अगर अगर मान लो कि मैं अगर 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 मैं टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूं, जैसे मैं जस्ट टाइप्स ऑफ मोशन पहले आपको बताता हूँ, किस तरह का आपको मोशन दिख सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, टाइप्स ऑफ मोशन कैसा हो सकता है। जैसे अगर मान लो आपके पास ऐसा सिचुएशन है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स से आई हैव एक रॉड की तरह मैं दिखा दे रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इस रॉड को मैंने क्या किया, यहां से उठाया एंड इसको इधर से इधर ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तुमको मूवमेंट दिख रहा है रॉड का स्क्रीन पे? हाँ सर। हाँ सर। तुम ये देखो, एक चीज नोटिस करो, ये यू नो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है इस रॉड के, वो कर्व पाथ में मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस सर। दिख रही है? बट एक चीज डिफरेंट है, वो क्या, मतलब यूनिक है, वो ये है कि रॉड का ओरिएंटेशन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा है? Can you see this? कि रॉड का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा। ओरिएंटेशन चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि बेसिकली आप इसको ऐसे से ऐसे नहीं कर रहे हैं, मतलब जब भी आप इसको मूव करा रहे हैं, हो सकता है इसको कर्व में मूव करा रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो कर्व में मूव कर रही है, बट इसका ओरिएंटेशन किसी भी एक फिक्स लाइन के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो वो चेंज नहीं कर रही है। आपको समझ आ रही है? ठीक है। हाँ सर। इस तरह के सिचुएशन में जब हम इसको ऐसे मूव करा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं किसी भी आर्बिट्री कर्व पाथ में, तो इस केस में अलग अलग पॉइंट का, मतलब जैसे इसमें सोचोगे तो जैसे इसमें मैंने इसको रैंडम सा जो पाथ दिया, देखो कुछ ऐसा दिया था, अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ ऐसा दिया था मैंने, इसको ऐसे कुछ पाथ में मूव कराया मान लो जैसे सही, तो करेस्पॉन्डिंग इसका जो लोअर एंड का भी था उसका भी पाथ काफी सिमेट्रिकल सा ही बनाएंगे, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही, ऐसे कुछ होगा ना, होगा? हाँ सर, है ना। हाँ सर। तो देखोगे अगर, तो अगर देखोगे तो टिप जो है, ऊपर का टिप और नीचे का टिप, उनका लोकस एग्जैक्टली आइडेंटिकल है या नहीं है? लोकस मतलब जिस पाथ में मूव किया, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कर्व में मूव कर रहे हैं, बट इस तरह के सिचुएशन में हम कहते हैं कि हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है हर इंस्टेंट पे वो सेम है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी देखो और दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी देखो, तो आपको दिखेगा कि नो कि वेलोसिटी एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल ही दिखेगा आपको, उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे अगर अगर आपने यहाँ पे भी अगर इस सिचुएशन में सोचो कि अगर मैं रॉड को यहाँ पे बनाता, अगर सोचो ये रॉड जब यहाँ पे होता, अगर सोचो यहाँ पे होता, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो देखो जैसे फर्स्ट डायग्राम में देखो जो वेलोसिटी है एंड्स की, सॉरी तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो वेलोसिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट एंड्स की दिखेगी, मतलब वो किसी भी एक इंस्टेंट पे वो हर वक्त एक ही डायरेक्शन में दिखेगी। देखो जैसे रैंडम सा किसी भी एक पोजीशन पे मार्क करें, देखो जैसे इस पोजीशन पे मार्क कर रहे हैं, देखो टॉप एंड का जो वेलोसिटी देखो उसका लोकस का टेंजेंट पे, और बॉटम एंड का भी देखो वेलोसिटी मार्क कर रहे हैं उसके लोकस के टेंजेंट पे, देखो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं,
दिख रही है तो इसमें इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ये प्योरली ट्रांसलेशन मोशन है, ये पहला टाइप ऑफ मोशन है, दिस इज प्योरली ट्रांसलेशनल। ठीक है, प्योरली ट्रांसलेशनल का मतलब है कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट की आपकी सेम होना चाहिए, लोकस कर्व्ड हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की, बट वेलोसिटी हर एक पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है। सो प्योरली ट्रांसलेशन का मतलब है कि द ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज। और ये होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, मैंडेटरी ये है, इस कंडीशन के लिए मैंडेटरी कंडीशन इज दैट वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी आइडेंटिकल। जब हम वेलोसिटी बोल रहे हैं तो स्पीड नहीं सोचना आप, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्योरली ट्रांसलेशन मोशन है। आप इसमें ये ध्यान रखना कि लोकस देखो कर्व हो सकता है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन जो पॉसिबल है प्योरली रोटेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल। अब प्योरली रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है सर? प्योरली रोटेशनल मोशन का मतलब है कि जैसे हां बोलिए बेटा सर, তাহলে কি মানে এমনি বলা যেতে পারে যে কোন কোন অবজেক্টের যদি ডাইরেকশন মানে ভেলোসিটি চেঞ্জ না হয় তাহলে ওটার ওরিয়েন্টেশনও চেঞ্জ হবে না, মানে সেমই থাকবে? এখানে তো আমরা ভেলোসিটি ডাইরেকশন তো চেঞ্জ করছি, দেখ অবজেক্টের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পয়েন্টস এর ভেলোসিটি ডাইরেকশন কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করছে কি না? এই যে ব্লু লাইন আছে, যে ব্লু লাইন ডটেড দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ ওই ব্লু লাইনটা দেখতে পাচ্ছিস না সবসময় ট্যানজেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস না? হ্যাঁ তাহলে ভেলোসিটি একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে যে ভেলোসিটি হবে অন্য সবটা পয়েন্টের ভেলোসিটি সব সময় সেম হতে হবে। বুঝতে পারছিস? আচ্ছা মানে সে ম্যাগনিটিউডটা কি? ভেলোসিটি অফ ডিফারেন্ট পয়েন্টস অন দি অবজেক্ট হ্যাজ টু বি আইডেন্টিক্যাল এট এভরি ইনস্ট্যান্ট, বাট the velocity of a particular point on the object may be different at different instant, mane time mein alada alada velocity hote pare, kintu ekta particular time mein prottekta point er velocity je object e hobe seta identical hobe. Acha ha bujheche sir, thik ache thik ache. Ab hum baat kare purely rotational motion ki. Purely rotational motion ka matlab kya hai ki jaise अगर मान लो कि जैसे आप ऐसे सोच के देखो, जैसे इमेजिन करो कि कोई भी एक आर्बिट्री शेप का मैंने ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे सोचो ऐसा एक आर्बिट्री शेप का ऑब्जेक्ट है, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप इमेजिन करो, और इमेजिन करो कि इसमें इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक ऐसा एक एक्सेस पास करता है जो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू होके जा रहा है और फिर ये नीचे से निकल गया। ठीक है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का एक एक्सेस है जो इसके थ्रू होके गया एंड उसके बाद फिर इस फिक्स्ड एक्सेस के अबाउट आप क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट को घुमाना शुरू करते हो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, तो इसका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं। इसको इन शॉर्ट AOR लिखूंगा हमेशा मैं। ठीक है, इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे डोर का एग्जांपल ले लो, डोर में देखोगे तो एक एंड पे मतलब जैसे ये डोर है मेरा, तो इस डोर के लिए एक एंड पे आप हिंज लगा के रखते हो और दूसरे एंड को क्या करते हो, आप घुमाते हो ना, तो डोर का जो एक्सेस है वो फिक्स रहता है नहीं रहता है? हां सर, रहता है, फिक्स रहता है ना? यस सर। तो ये प्योरली रोटेशनल मोशन का केस है, ये प्योरली रोटेशनल मोशन का है। इसमें अगर आप देखोगे तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगी। कैसे? जैसे अगर इसका टॉप व्यू कोई देखे, इसी का सोचो अगर टॉप व्यू बना रहे, ठीक है, अगर सोचो इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको बेटर समझ आएगा। टॉप व्यू में सोच के देखो तो आपको कैसा दिखना है, जैसे ये इमेजिन करो कि वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था, दिस वाज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पे इमेजिन करो कि आपने एक सर्टेन डिस्टेंस पे कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर किया, आर डिस्टेंस पे, तो ये वाली पॉइंट क्या एक सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रही होगी? घूम रही होगी? नहीं समझ आ रही है आपको? आर यू ऑल गेटिंग इट? इस केस में इस एक्सिस के बाद अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है
तो ओमेगा और आर के साथ जब हम लीनियर वेलोसिटी को रिलेट करते हैं तो आपको पता है ना वी की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं, आपको पता है, दिख रही है आपको? हाँ सर। तो ये वी की वैल्यू ओमेगा आर आर, ये दिख रही है आपको? दिख रही है आप सभी को? यस सर। तो देखो इसमें वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस पे तो डिपेंडेंट है ही, दिख रहा है आपको? अगर आप आर का डिस्टेंस अलग लोगे, आर डिस्टेंस चेंज करते जाओगे तो वी का वैल्यू डिफरेंट आएगा। जो वाली पॉइंट एक्सिस के क्लोजर होगी वो फास्टर मूव करेगी, सॉरी स्लोअर मूव करेगी, और जो वाली पॉइंट एक्सिस से दूर होगी वो वाली स्लोअर मूव करेगी। ये समझ आ रही है आपको? हाँ सर। जो दूर होगी वो फास्टर मूव करेगी और जो पास होगी वो स्लोअर मूव करेगी। दूसरी चीज ये भी नोटिस करो कि अगर मैं सेम आर डिस्टेंस पे अगर अलग अलग पॉइंट चूज करूं, सेम आर डिस्टेंस पे, जैसे अभी तो यहाँ पे चूज किया, अब दूसरा पॉइंट चूज कर लेते हैं, यहाँ पे अब चूज कर लें यहाँ पे, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड तो ठीक है फिर वही है, वी की वैल्यू ओमेगा आ रही है, बट क्या डायरेक्शन सेम है? नो सर। नहीं सर। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो लीनियर वेलोसिटी है किसी भी दो पॉइंट का आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है आपको, आपको समझ आ रही है? किसी भी दो पॉइंट का वेलोसिटी आइडेंटिकल नहीं है, बट सबके लिए एक चीज कॉमन है और वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। आपको दिख रही है एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए क्या है? कॉमन है, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, सोचो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो फिर उस केस में जो भी पॉइंट जहां से भी स्टार्ट किया था वहां से घूम के फिर वापस उसी पॉइंट पे आएगा, नहीं आएगा? आएगा सर। तो हर ये तो हर एक पॉइंट के लिए आप कह सकते हैं, यहाँ वाले पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट, जहां का भी पॉइंट है, जो जहां से स्टार्ट करेगा घूम के वापस आके वहीं पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब कि सेम एंगल घूमेगा सेम टाइम में, यही तो मतलब निकला ना? यस सर। आई विल गेटिंग इट। इसका मतलब ये निकला कि इस बार कॉमन क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी सबकी कॉमन होगी, बट लीनियर वेलोसिटी सबकी क्या होगी? डिफरेंट हो सकती है, राइट? है ना? यस सर। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होगा? इस केस में एंगुलर वेलोसिटी विल बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल फॉर ईच ऑफ द पार्टिकल्स ऑन ऑब्जेक्ट, बट लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। सबकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट आएगी। ठीक है। अब तीसरा जो सबसे कॉमन मोशन है, सबसे कॉमन जो है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। ये जनरलाइज मोशन है सबसे ज्यादा, यही ये सबसे कॉमन साइज जो है। जैसे आप कोई भी चीज को अगर ऊपर फेंकते हो, कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकते हो, तो सिर्फ ना तो वो सिर्फ ट्रांसलेट करता है ना तो सिर्फ रोटेट करता है, वो घूमते हुए आगे बढ़ता है ना, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना? है ना? कोई भी चीज को आप ऊपर फेंक के देखो, आप एक पेन को भी फ्लिप करते हो, सिर्फ ऊपर जाता है फिर वो तो घूम के ही जाता है ना, घूम के जाएगा फिर वापस आएगा, है? समझ आ रही है आपको? तो इस केस में क्या है, ये एक इस तरह का मोशन है, घूम भी रहा है, घूम भी रहा है और अपना पोजिशन भी चेंज कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो इस केस में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब जैसे सेकंड केस में मैंने क्या बोला आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स देना पड़ता है, बट इस केस में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों ही यहाँ पे हो रहे होते हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट रिमेन फिक्स्ड। जैसे आप बाइसाइकिल का टायर्स भी देखोगे, बाइसाइकिल का जो व्हील होता है या कार का व्हील देखोगे, तो वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों केस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सोच के देखो। हाँ सर। चक्का अपने एक्सिस के अबाउट तो घूमता ही है, बट वो गाड़ी आगे मूव करता है तो वो भी तो मूव करता है, तो ट्रांसलेशन रोटेशन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जो जनरलाइज केस है वो बेसिकली ऐसे ही आपको दिखेगा, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो उस केस में जैसे इसमें अगर मान लो कि कोई भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन आप मार्क कर रहे हैं, लेट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर अबाउट ये घूम भी रहा है और ये एक्सिस जो है ये खुद भी ट्रांसलेट कर रही है, तो इस केस में हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन कहते हैं। आपको समझ आई क्या कह रहे हैं? यस सर। हां समझ आ रही है? सर ये ट्रांसलेशन प्योरली ट्रांसलेशनल है ना? अरे प्योरली ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेटा ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना, इसको घुमा के फेंक रहे तो कैसे ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहे हैं आप, बताइए मुझे। हां 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 सर ठीक है। तो
अगर ऐसा हो कि हम ओरिएंटेशन जीरो पॉइंट मतलब लाखों जीरो के बाद एक लाए तो भी क्या हम उसको प्योरली बोल सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो है ना उसके लिए, या फिर उसको नहीं बोल सकते? नहीं समझा मैं, क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। मैं बोल रहा हूँ कि प्योरली ट्रांसलेशन मतलब आपने बोला कि ओरिएंटेशन ना चेंज करने को, तो अगर हम ओरिएंटेशन को जीरो पॉइंट लाखों जीरो के बाद अगर हम एक जीरो लाए तो नेग्लिजिबली वो जीरो की तरफ होगा ना, तो वो क्या हम प्योरली बोल सकते हैं या फिर उसको भी हम प्रोबेबिलिटी की तरह नहीं बोल सकते? अरे ओरिएंटेशन अगर चेंज होता हुआ दिख रहा है तो फिर उसको मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन का कॉम्बिनेशन बोलेंगे बेटा। अब लाखों जीरो के बाद एक जीरो वन बोल रहे हो तुम, तो तुमको दिख कहाँ रहा है लाखों जीरो के बाद एक वन? फालतू क्वेश्चन का डाउट क्यों पूछते हो? तुमको इतना कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट हो रहा है तो वो प्योरली ट्रांसलेशन है, सिर्फ रोटेट कर रहा है तो सिर्फ रोटेशन है, और अगर ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रहा है तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है। अब बोल रहे हो कि हाँ एक जीरो के बाद एक डेसिमल के बाद लाखों जीरो लगाएंगे और फिर वन लगाएंगे और उसके बाद उतना एंगल घुमाएंगे, तो तुमने वो मेजर कैसे किया ये बताओ मुझे पहले। हाँ बताओ कैसे मेजर किया वो, फिर फालतू क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? इतना इतना बेसिक सा चीज जो बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, अब उसमें इतना सवाल पूछना है ये फालतू चीजों का? कोई कंसेप्चुअल डाउट हो तो फिर भी समझ आए कि ठीक है कंसेप्चुअली डाउट कंसेप्चुअल डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ मोशन आपको समझ आई है? यस सर। समझ आई सभी को टाइप्स? अब इसमें इसमें वेलोसिटी वगैरह कैसे निकालते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन के कॉम्बिनेशन में? ट्रांसलेशन और रोटेशन के कॉम्बिनेशन में वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो सर। ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हटा देता हूँ। मतलब इतना ये सवाल कैसे होता है मुझे समझ नहीं आता। ये लो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ कर दिया है, सेंटर का मतलब क्या होता है मुझे बताओ इस इरेगुलर शेप के। रुकिए एक मिनट। नहीं सर मैं बोल रुकिए रुको बोलो सवाल पूछ ही लो, तुम लोग पूछ लो फिर जवाब भी तुम लोग ही देना, मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम लोग ही सवाल पूछो, तुम लोग ही जवाब दो। जो बोल रहा आपके पेट से जा अक्षत क्या बोल रहे हो बोलोगे अभी? सवाल तो पूछ लो अब, क्या पूछ रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपका सवाल क्या है। एक बार बोल रहे हो कि सर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बीच में ही है, सेंटर पे ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये तो एक इररेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट के लिए आप सेंटर कैसे ढूंढ रहे हो मुझे पता नहीं है। और दूसरी चीज है मैंने कब बोला कि हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे होना चाहिए ये भी नहीं बता। मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पे होना चाहिए, ये तो तुमने खुद से अज्यूम कर लिया। और इस इररेगुलर शेप के लिए ऑब्जेक्ट के लिए तुमने सेंटर कैसे सर आपने बोला ना एक्सिस ऑफ रोटेशन मेन फिक्स। यार वो तो इस केस में था। अरे क्या कर रहे हो बेटा? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स तो प्योरली रोटेशनल मोशन में था, फिर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में एक्सिस रोटेशन कहाँ फिक्स है? सर मैं रिकनेक्ट करता हूँ, सर मैं जो बोल रहा हूँ क्रैक हो रहा है क्या मैच? हाँ कट रही है आपकी वॉइस तो कट रही है, बट मुझे तो मतलब जो लग रहा है कि आप तो वाहियात चीजें बोल रहे हो। शरण्या आप कुछ पूछ रहे थे बेटा, बताइए तो क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं सर मैं कुछ नहीं पूछ रही। कोई तो पूछ रहे थे, कोई और पूछ रहे थे शायद सर, कोई लड़की पूछ रहे थे। हाँ बोलिए बेटा। सर यहाँ पर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन करता है ना? एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ये क्यों बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखता हूँ तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, और अगर आप उसको घुमा के रख रहे हैं घुमा रहे हैं तो उसको रोटेशन कहते हैं, और अगर आप घुमाते हुए लेके जा रहे हैं तो उसको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कहते हैं। यही तो कह रहे हैं
ठीक है हाँ सर ठीक है। अभी देखो मैं आपको इसमें भी यू नो डिफरेंट, जैसे अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन का केस है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये वाला पार्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, बट सेंटर ऑफ मास कंप्लीट करने के बाद समझाऊंगा। ठीक है, पहले सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद। अभी जस्ट मैं आपको ये समझा रहा था कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ मोशन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पेन फाइट वाला एग्जाम्पल सोचते हैं। ठीक है, जस्ट एक यू नो पेन फाइट का एप्लीकेशन जो आपको समझा रहा था मैं। अब सोचो कि ये जो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ अभी, वो एक टेबल का टॉप व्यू होगा। ठीक है, टेबल के टॉप से आप देख रहे हो, मतलब ऊपर से देख रहे हो। अभी फिलहाल के लिए टेबल जो पेन है उसको एक यूनिफॉर्म पेन की तरह मान रहे। ठीक है, मतलब जैसे एक हर तरफ एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, जैसे एक पेंसिल की तरह सोच लो, ये पेंसिल है और जिसमें आपने शार्पन नहीं किया है। अगर इमेजिन करो कि आप यहाँ पे इसको स्ट्राइक करते हो टॉप एंड पे। ठीक है, टॉप एंड पे आपने एक स्ट्राइक किया, मतलब इम्पल्सिव फोर्स ऐसे ठक करके मारा ऊपर से, तो इसका मोशन कैसा होगा आप बताएंगे मुझे? कैसा मोशन होगा इसका? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, क्योंकि ये घूमेगा ना ऊपर वाले एंड पे, जब आपने मारा है तो ऐसा घूमेगा ना, राइट? होगा नहीं होगा? हाँ समझ आ रही है आपको? तो इस केस में आप देखोगे तो इसकी जो मोशन होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ये रॉड आपको थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब ये टर्न कर गया होगा थोड़ा, मतलब जो भी पेन है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि ये थोड़ा आगे भी बढ़ा, मतलब इसके पास एक वेलोसिटी भी आई और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी आई है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी भी है। अब आपने क्या किया, अब आपने यही वाली पेन को फिर से लिया, बट इस बार हमें जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो फोर्स का पॉइंट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस बार डिफरेंट पॉइंट पे लगाएंगे फोर्स, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे पहले रखा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। वही वाला पेन है, ठीक है, उस अलग पेन नहीं लिया हमने, इसको सेम लाइन पे दिखा भी देते हैं। जैसे अब इमेजिन करो कि हमने क्या किया, इसको एकदम बॉटम वाले एंड पे लगाया है, बॉटम एंड पे फोर्स लगाया, सेम फोर्स। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर आप देखोगे तो सेम रखा है मैंने, हॉरिजॉन्टल फोर्स है एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है। इस बार मोशन कैसा होगा, इस बार मोशन कैसा होगा? फिर से ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा, नहीं होगा? बट इस बार, बट इस बार इसका जो टर्न होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। तो इस बार इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हुए दिखाएंगे। ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, फिर से इसके पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है और एक रोटेशनल वेलोसिटी भी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी भी है। अब थर्ड केस लेते हैं, इमेजिन करो इसको बीचों बीच मारा, अब इसको बीच में स्ट्राइक कर रहे हैं एकदम मिडिल पे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्टिक था, ये ध्यान रखना, इसलिए बीच में बोल रहा हूँ। अब बताओ मुझे इसका मोशन कैसा होगा? प्योरली ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल, प्योरली ट्रांसलेशन। इस बार तो घूमेगा नहीं, राइट? इस बार ना तो क्लॉकवाइज ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसको भी एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं, इसका ओरिएंटेशन जो होगा बिल्कुल जैसा आपने पहले रखा था उसी ओरिएंटेशन के बिल्कुल ये रह के ट्रांसलेट करेगा सिर्फ। इस बार इसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी। तुम इन तीनों डायग्राम में अगर रिलेट करोगे, तीनों डायग्राम में, तो एक चीज तुम्हें कॉमन दिखेगी तीनों डायग्राम में, वो पता है क्या दिख रही है आपको? क्या दिख रही है बताओ मुझे? तीनों डायग्राम में मैंने एक चीज एम्फेसाइज करने की कोशिश की है, और वो क्या है सर? जो मिडिल पॉइंट है वो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो ट्रांसलेशन और रोटेशन जो होता है ना बेटा, किसी ऑब्जेक्ट का होता है, पॉइंट का नहीं होता है।
पॉइंट का क्या हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो लीनियर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हाँ लीनियर वेलोसिटी सेम है किसकी? इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के मतलब नहीं नहीं देखो बेटा लीनियर देखो देखो जब एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के केस में होता है ना तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, तुमको देख के समझ में आना चाहिए। जैसे फर्स्ट डायग्राम में देखो जो ऊपर वाला पॉइंट है वो आगे मूव कर गया है, ऊपर वाला पॉइंट आगे मूव कर गया है और नीचे वाला पॉइंट जो है वो पीछे रह गया है। सेकंड डायग्राम में देखोगे तो ऊपर वाला पॉइंट पीछे रह गया है और नीचे वाला पॉइंट आगे चला गया है। और थर्ड वाला डायग्राम देखोगे तो सारे पॉइंट का वेलोसिटी सेम है। तो जब आप बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस तभी होता है जब सारे पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो। अगर सारे पॉइंट का वेलोसिटी अलग है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, आप उसको बोलेंगे वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट का। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी तीनों डायग्राम में सेम है और वो सेंटर ऑफ रॉड है ना, समझ आ रही है? हां सर। और वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है ना, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम यहां पे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के लिए एक इंपॉर्टेंट सा चीज जो आपको समझना है, पहले न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस बाद में करेंगे बट सबसे पहली चीज ये दिमाग में बिठाओ, सेंटर ऑफ मास हम कहते हैं कि किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका मोशन इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप फोर्स कहां लगाते हो, कहां लगाते हो ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ ये मैटर करता है कि कितना लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया। तुम तीनों डायग्राम में देखो एक चीज है जो कॉमन है फोर्स के टर्म्स में, जैसे अगर फोर्स का डिस्क्रिप्शन अगर मुझे तीनों डायग्राम में कोई पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तीनों डायग्राम में यह है यानी कॉमन इन्फॉर्मेशन। यस सर। हां सर। हां सर। हां सर। राइट, सो फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है एंड फोर्स का डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तीनों के लिए डिस्क्रिप्शन कॉमन है ना, है ना? यस सर। यस सर। इसीलिए सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होगा वो सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम दिखाएंगे वो चीज, समझ आ रही है आपको? तो सेंटर ऑफ मास हम कहते हैं इट इज वन सच पॉइंट फॉर एन ऑब्जेक्ट हुज मोशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, इट्स मोशन इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन टू फैक्ट्स अबाउट द फोर्स, वन हाउ मच फोर्स हैज बीन अप्लाइड एंड टू वेयर द फोर्स ऑन इन व्हिच डायरेक्शन द फोर्स हैज बीन अप्लाइड। वेयर द फोर्स हैज बीन अप्लाइड इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, where the force has been applied is important for the motion of other points other than the center of mass. Center of mass ko chhod ke baki sare points ki baat karo to kahan pe force lagaya hai ye decide karega ki unka motion kaisa hai, but center of mass ke liye nahi. Samajh aayi aapko kya bola maine? Ji sir. Samajh aayi? Okay sir. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इसका पूरा का पूरा मास को अगर मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देता और वो पॉइंट मास मतलब ये रिजिड ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करता तो वो पॉइंट मास को जहां रखते वो सेंटर ऑफ मास पे ही रखना पड़ेगा आपको। मतलब ये सोचो कि अगर मैं ये इस रॉड के लिए मास और लेंथ अगर सपोजली एम और एल दे दिया मैंने, तो अगर फोर्थ केस में ऐसा इमेजिन करूं कि अगर सपोजली मेरे पास एक पॉइंट मास ही है, इमेजिन करो सच में अब एक पॉइंट मास ही ले लिया मैंने और इस पॉइंट मास को ये पॉइंट मास ले रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट मास भी हमने एम मास का ही ले रखा है सेम एज रॉड, और इस पे भी मैंने वही इंपल्स दिया जो मैंने रॉड को दिया था, तो पता है आपको इसकी भी वेलोसिटी एग्जैक्टली वही आएगी उतने टाइम के बाद जो आपका बाकी चारों केस में बाकी तीनों केस में आपको मिला था। मतलब ये मास के पास एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी होगा, मतलब सेम टाइम के बाद वो सेम जगह पे पहुंच चुका होगा। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो क्या ऊपर वाले एंड के लिए क्या ये लॉजिक हम यूज कर सकते हैं, रॉड के ऊपर वाले एंड के लिए या नीचे वाले एंड के लिए? मतलब रॉड का पूरा मास को मैंने ऊपर वाले एंड पे रख दिया होता तो क्या लॉजिक सही होता? नहीं सर। तो इसीलिए कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज वन सच पॉइंट फॉर एन ऑब्जेक्ट वेयर the entire mass of the object can be assumed to be concentrated. कोई अगर पूछे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मतलब ये center of mass एक ऐसी point है जिसका motion point of application of force decide नहीं करता, इसका motion सिर्फ और सिर्फ force कितना लगा है ये important decide करता है और किस direction में लगा है ये decide करता है, but कहाँ लगा ये बिल्कुल important नहीं है। ये बात समझ आई है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है? फ्रॉम हियर वी सी, पहला ऑब्जर्वेशन ये है अप्लाइड फोर्स इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
इन ईच केस. दूसरा द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग. वी कंक्लूड, पहला COM मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मतलब यही वाली पॉइंट को हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे बीच में बीच वाला पॉइंट जिसको हमने कंसिडर किया था. सेंटर ऑफ मास इज वन सच पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्ट whose motion is independent of point of application of force dependent only upon. सर नंबर टू में आप क्या लिखा है एक बार रिपीट करेंगे और एक बार. सेंटर ऑफ मास इज वन सच पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्ट हुज मोशन. आप नंबर टू पूछ रहे हैं मतलब ऊपर में. यस सर. द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग. द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग. Center of mass is one such point for the object whose motion is independent of point of application of force, and those are dependent upon how much force is applied and in which direction the force is applied. ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ये है, द मोशन ऑफ ऑल अदर पॉइंट्स अदर देन द सेंटर ऑफ मास इज डिपेंडेंट अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, और तीसरी चीज, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी assumed to be concentrated. ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ आ गई है. यस सर. ठीक है, अभी कुछ न्यूमेरिकल मैंने नहीं बताया बेटा, जस्ट आपको सेंटर ऑफ मास का पहले मतलब समझ आना चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये समझ पाओगे आप तो आगे का जर्नी आसान होगा. ये बेसिक सा चीज है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं. सर अभी मैं पूछ सकता हूँ जो मेरे को पहले पूछना था? हाँ, पूछो. सर मैं पूछ रहा था कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बदल रहा है, वो तो वही पे रह रहा है ना जहाँ पे था. एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल नहीं रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है बट वो एक जगह से दूसरे जगह चल रहा है. वो तुम्हारे बाइसाइकिल का जो चक्का रहता है, वो तुम्हारे बाइसाइकिल का चक्का जो रहता है वो किसके अबाउट घूमता है? एक्सल के अबाउट घूमता है ना. हाँ तो एक्सेल एक ही जगह पे रहता है, एक्सेल आगे भी बढ़ता है गाड़ी साइकिल के साथ. अच्छा ठीक है सर. सर मैं गलत इंटरप्रेट किया सर सेंटेंस. अच्छा ऐसे सोचो, ये पेन है, ये पेन को मैं अपने उंगली के अबाउट घुमा रहा हूँ भी ऐसे. ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ. अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ट्रांसलेट करा रहा हूँ या रोटेट करा रहा हूँ ये बताओ मुझे. सर रोटेट रोटेट रोटेशन है ना. ठीक है,
अब मैं अपना फिंगर टिप को मूव कराना शुरू कर दिया मैंने, अब इसका क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन? ट्रांसलेशन दोनों, एक से दोनों, दैट्स इट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा फिक्स रहेगा, ऐसा कहां लिखा हुआ है? ठीक है सर, समझ लिए, थैंक यू। और मैं तुम पे गुस्सा तब इसलिए किया क्योंकि तुमने बोला कि सेंटर, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बीच में है, सेंटर पे है, तुमने ये बोला सर, और वो सेंटर पे ही होगा, ऐसा बेकार की बातें कर रहा है, इसलिए गुस्सा कर रहा था मैं तो। चलो ठीक है, यहाँ से तो अभी हमने कंसेप्चुअली समझ लिया कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, अब सेंटर ऑफ मास को मैथमेटिकली कैसे लोकेट करते हैं अब उसकी बात करते हैं, ठीक है? सो मैथमेटिकली कैसे सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है वो सिखाने वाला हूँ आपको। फाइंडिंग आउट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसमें आपको दो केसेस आपको बेसिकली दिखेंगे। केस वन इज डिस्क्रीट मास सिस्टम होगा, डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, जैसे बहुत सारे पॉइंट मासेस का असेंबली, बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं बट सब अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं ये सोचूं ये डिस्क्रीट, ये जो पेन हमने हाथ में पकड़ रखा है ये डिस्क्रीट मास सिस्टम नहीं है, ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, इसमें ये भी बहुत सारे पॉइंट मासेस से बना हुआ है बट ये सारे पॉइंट मासेस आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, बेसिकली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बट अगर ऐसे सोचो कि जैसे छोटे 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 पॉइंट मासेस हैं और वो सब अलग अलग जगह रखे हुए हैं तो उनको हम डिस्क्रीट मास सिस्टम कहते हैं। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे इमेजिन करो कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट मासेस का असेंबली है, ऐसे सोचो, असेंबली ऑफ पॉइंट मासेस, ऐसे सोचेंगे, सबकी मास अलग अलग है, सबका लोकेशन भी अलग अलग है, सब अलग अलग जगहों पे मुझे दे रखा उन्होंने, सबका पोजीशन ऑब्वियसली मुझे पता होगा, वी वुड नो पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी मास इन दिस सिस्टम, ठीक है? दिस इज बेसिकली एन असेंबली ऑफ पॉइंट मासेस। ठीक है, तो पॉइंट मासेस के लिए जैसे आप देखो सेंटर ऑफ मास को जब आपको लोकेट करना होता है, जैसे मान लो कि अगर इस रॉड का मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास कहां पे है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, देखो जैसे अगर मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ मास इस रॉड का यहां पे है, तो ये अगर कोई लोकेशन बताए, मैं अगर ये लोकेशन बताऊं और तुम लोकेशन बताओ, तो क्या हम लोग अलग अलग लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताएंगे या एक ही जगह पे बताएंगे? क्योंकि ये हमारे ऊपर थोड़ी ना डिपेंड करता है, ये तो इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है ना, इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि नो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। बट हाँ, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस अपना चेंज करते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं अपना ओरिजिन यहां पे फिक्स कर दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लेंथ के अलोंग ही आपको एक्स कोऑर्डिनेट बता देना, अगर एक्स एक्सिस मान लो इसके अलोंग डिफाइन कर दिया तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताओगे, वाई एक्सिस बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। बट अगर किसी ने कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर यहाँ पे चूज नहीं किया, मान लो थोड़ा शिफ्टेड चूज कर लिया, यहाँ पे चूज कर लिया, थोड़ा हट के यहाँ पे चूज कर लिया, तो उस केस में तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट में भी कुछ शिफ्टेड दिख रहा है, इसको वाई कोऑर्डिनेट में भी कुछ शिफ्टेड दिख रहा है, तो उस केस में तो दोनों बताना पड़ेगा, बट लोकेशन तो एक ही जगह बता रहा है ना, समझ आ रही है? हाँ सर, समझ आ रही है। तो इस केस में एक असेंबली ऑफ मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू दी सिस्टम ऑफ मासेस वो एक ही जगह पे होगा, चाहे कहीं से भी कैलकुलेट करो। बट हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करने से बेसिकली उसकी कोऑर्डिनेट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करनी है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ चूज कर रहे हो। तो मैंने क्या क्या मान लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लिया सर, कोई भी आप अपनी तरफ से कहीं पे भी चूज कर सकते हैं, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको कहाँ चूज करना है। तो मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई मान लो चूज कर रखा, जेड एक्सिस आप अकॉर्डिंगली मानना बाहर की तरफ है, जेड एक्सिस इज आउटसाइड, ठीक है? तो अब क्या करते हो आप, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मासेस का कहां कहां लोकेशन है ये पहले आप देखते हो। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मासेस का अलग अलग लोकेशन दिखाया, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट मास है, फिर अलग अलग जगहों पे कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मासेस है, सब अलग अलग जगहों पे आप ऐसे इमेजिन कर सकते, कहीं पे भी हो सकता है, ये ऐसा कोई फिक्स जगह पे नहीं सोच रहे, जैसे रैंडम लोकेशन मार्क कर रहा हूँ मैं। अब सोचो ऐसे ही यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मासेस मार्क कर दिए, जस्ट कुछ एग्जांपल के लिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे M1 है, ये M2 है और ये हमने MN ले रखा है, ठीक है, ऐसे MN ले रखा है, और इन सब की पोजीशन वेक्टर भी मान लो हमारे पास नोन है, ये R1 पोजीशन वेक्टर पे है, ये R2 पोजीशन वेक्टर पे है
और ये आर एन पोजिशन वैक्टर पे है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हो तो पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालनी है, पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास सी वन, तो इसको आर सी वन कहते हैं। दिस आर सी वन विल बी समेशन ऑफ एम आई आर आई एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई करते हैं, और आई की वैल्यू को आपको 1 से लेके एन तक जितने भी मासेस है सारे के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे आई की लिमिट जो होगी आपकी 1 से लेके एन तक होगी, ठीक है, मतलब सारे एन एन नंबर ऑफ मासेस के लिए। तो इसको इन शॉर्ट अगर मतलब इसको थोड़ा सा अगर एक्सपैंड करके लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे ले सकते हो, एम वन इंटू आर वन वैक्टर प्लस एम टू इंटू आर टू वैक्टर प्लस करके आप ऐड करते चले जाएंगे, एम एन इंटू आर एन एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास ले लेंगे, क्योंकि एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम एन तक करेंगे तो इससे आपको टोटल मास मिल जाएगा, दिस विल बी एम एन, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना कि आर वन आर टू आर एन तक जो हमने लिख रखा है ये इंडिविजुअल मासेस का जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ये वो इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ डिस्टेंसेस नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला कि सेंटर से मतलब यू नो ओरिजिन से 2 मीटर पे है, तो ओरिजिन से 2 मीटर पे है बट कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स की तरह उसको लिखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मार्क करना है। देखो आर के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, मतलब आपको आपको उस डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूड करना है, सिर्फ डिस्टेंस नहीं मार्क करनी है। अब जैसे ही अगर आप इसमें डिस्टेंस के लिए सोच मतलब सोचोगे इसमें पोजिशन वेक्टर भी है, तो इस केस में आप इसको सोच के देखो इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, ये यही चीज को अगर समेशन ऑफ लिखें ये हो जाएगा एम आई एंड आर आई में क्या होगा एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप एंड प्लस जेड आई के कैप, मतलब जो आईथ मास था उसका जो 3 कोऑर्डिनेट है उसको लिख लिया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे समेशन ऑफ एम आई तो है ही, इसको एक्सपैंड करें फर्दर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, ये हो गया आई कैप के साथ, प्लस समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, ये हो गया जे कैप के साथ, एंड प्लस समेशन ऑफ एम आई जेड आई एंड डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई एंड ये आपका के कैप के साथ। समझ आ रही है आपको? आई होप समझ आ रही है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ये क्या है, क्या ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है? यस सर। दिख रही है आपको? हाँ सर। सेकंड वाला जो है सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है क्या ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है? यस सर। और सिमिलरली थर्ड वाली जो एक्सप्रेशन है ये आपकी z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, मतलब इंडिविजुअली हो गया x cm, ये हो गया y cm और ये हो गया z cm, एंड अकॉर्डिंगली जैसे आप सोचोगे तो ये एक्स सी एम को आपने क्या लिख रखा है, एक्स सी एम इज बेसिकली एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस करके आपको एम एन एक्स एन कर लेना है एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन तक। अब यहाँ पे सोचो ये एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक जो आपने लिख रखा है ये क्वान्टिटीज क्या है, ये बेसिकली उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स वन एक्स टू एक्स एन एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब अगर कोई 2 units पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा है तो उसको +2 लिखना है, कोई अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 3 units रखा है तो उसको -3 लिखना है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब प्लस माइनस के साथ लिखना है आपको, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, मतलब ये जस्ट एक्स डिस्टेंस नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका ध्यान रखना है, साइन को उससे कंसिडर करना पड़ेगा आपको जब ये फाइंड आउट कर रहे हैं आपको। सिमिलर तरीके से अगर आपको वाई सी एम निकालनी है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, तो आप लिखेंगे एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू एन प्लस करके आपने एम एन वाई एन कर लिया एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन कर लिया, ठीक है। एंड सिमिलरली आपका जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, जेड सी एम आपका आ जाएगा एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू प्लस एम एन जेड एन एंड डिवाइडेड बाई सॉरी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एंड प्लस एम एन आ जाएगा, ठीक है। ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट इंडिविजुअली लोकेट कर ले यहाँ से। ये तो हो गई डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, मैं कैलकुलेशंस पे थोड़ी देर बाद आता हूँ, अभी जैसे आपको फॉर्मूला बताया ये हो गई डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए। अब दूसरा है आपका कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब ये रिजिड ऑब्जेक्ट्स के लिए आप बताएंगे, रिजिड ऑब्जेक्ट्स आपको दिया हुआ होगा उसके लिए आपको लोकेट करना है।
ठीक है। अब इसमें भी सिमिलर सा ही रूल है, जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्री शेप का एक ऐसा ऑब्जेक्ट इमेजिन कर रहे हैं, ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, बीच में खाली नहीं है, सो दिस इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट, और इसके लिए मान लो हमें सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। पहला स्टेप अभी भी कॉमन है, आपको पहला क्या करना है, आपको ओरिजिन फिक्स करनी है कहीं पे, तो हमने क्या किया यहाँ पे, कहीं ना कहीं हमें ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेगी, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस को हमने डिफाइन कर लिया। अब पिछली बार हम क्या कर रहे थे, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई कर रहे थे। आपको पता है कि जब डिस्क्रीट चीजें हैं तो समेशन करते हैं, बट कोई चीज अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, समेशन किससे रिप्लेस हो जाता है, इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में क्या करोगे आप, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्री पोजिशन पे चले गए, लेट अस से हमें यहाँ पे एक आर्बिट्री पोजिशन पे चले गए, और इस आर्बिट्री पोजिशन पे हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल मास कंसिडर कर रखा है, एक छोटी सी एलिमेंटल मास की है, एलिमेंटल मास मतलब कि इस बड़े मास का एक छोटा सा पार्ट जिसका सेंटर ऑफ मास आपको पता हो, मतलब जिसको आप लोकेशन यू नो सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसकी पोजिशन वेक्टर हमारे पास आर है, ठीक है, ये आर वेक्टर इज द सेंटर ऑफ मास फॉर डीएम एलिमेंटल मास, ठीक है, डीएम इज एन एलिमेंटल मास ऑफ द पूरा मास, एंड उस डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन मैंने आर वेक्टर से इंडिकेट कर रखी है, ठीक है। तो डीएम इज एन एलिमेंटल मास, डीएम इज एन एलिमेंटल मास, ठीक है, हुज COM मतलब डीएम का जो COM है इज लोकेटेड एट आर वेक्टर, दस the COM of entire mass of the entire object object is location of COM likhna chahiye, that is the location of COM, location of COM of the entire object is, ab isko RCM likh rahe hain, and that will be summation will be replaced by integration, to isko integration likhenge, wahan pe mixi ri tha, miri tha, yahan pe dm into r vector ho jayega, एंड डिनोमिनेटर में वहां पे समेशन एम आई था, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा। समझ आया कैसे ट्रांजिशन हुआ फॉर्मूले में, समेशन गेट्स रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, एंड एम आई आर आई गेट्स रिप्लेस्ड बाय डीएम इनटू आर, एंड समेशन एम आई गेट्स रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। समझ आया आपको? हां सर, समझ आया। अब डीएम की वैल्यू आपको कैसे चूज करना है, डीएम की वैल्यू चूज करते वक्त वो कैसा ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एलिमेंटल मास कैसा चूज करना है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर इमेजिन करो कि एक रॉड है, उस रॉड के ऊपर अगर आपको एक एलिमेंटल मास चूज करना है तो ऑब्वियसली एक छोटा सा लेंथ चूज करेंगे ना, है ना, एक छोटा सा लेंथ, राइट, जैसे dx लेंथ का बोलते हैं, dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंटल मास चूज किया तो वो एक लेंथ होगा, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ होगा, दैट विल बी उसका एक मास आपको dm निकालना पड़ेगा। अगर यही इमेजिन करो एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हुआ, जैसे एक डिस्क हो गया या प्लेट हो गया या रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो उस केस में जब आप एक छोटा सा एलिमेंटल मास लोगे तो आप लेंथ नहीं ले सकते, आपको एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा, मतलब जिसका लेंथ भी होगा और ब्रेड्थ भी होगा। ये समझ आ गया आपको? Yes. है ना? तो उस केस में जो एलिमेंटल मास होगा वो कौन होगा, एक छोटा सा एरिया होगा, छोटा सा एरिया होगा, मतलब एक छोटा सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा और उस स्ट्रिप का आपको एलिमेंटल मास डीएम लिखना पड़ेगा। और अगर एक रिजिड ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम का है, जैसे एक सिलेंडर हुआ या यू नो एक स्फीयर हुआ या फिर कोन हुआ, तो उनके लिए एक छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम चूज करना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सो द चॉइस ऑफ डीएम, द चॉइस ऑफ द एलिमेंटल मास डीएम, एलिमेंटल मास डीएम विल डिपेंड अपॉन द type of object, pehla linear object matlab such as rod, theek hai, to is case mein aap elemental mass kaise define karoge, jaise ye maan lo ek rod diya hua hai, this is a rod, and is rod ke liye imagine karo ki aap kya karte ho, यहां से एक सर्टन डिस्टेंस पे जाते हो, मतलब एक एंड से आप सर्टन डिस्टेंस मान लो x पे गए, और यहाँ पे आपने एक पतला सा एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ dx का चूज कर लिया,
सो डीएक्स वो पतला सा जो छोटा सा स्ट्रिप दिख रहा है हमें, ये डीएक्स इस छोटा सा स्ट्रिप का लेंथ को हमने डीएक्स मार्क कर रखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इस छोटे से स्ट्रिप का मास अगर डीएम है मान लेते हैं, ठीक है, दिस मास इज डीएम, तो इस केस में अगर इसकी मास पर यूनिट लेंथ अगर लिखोगे आप, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ अगर आपको ये लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे इसको, इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, दिस इज लैम्डा एट अ पोजीशन एक्स, एंड इसको कैसे लिखेंगे, डीएम बाई डीएक्स लिखेंगे। आपको समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? हाँ सर, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग सोच के देखो, आपको डीएम अगर निकालनी है तो क्या लिखोगे आप, लैम्डा एट पोजीशन एक्स इंटू डीएक्स लिखोगे, नहीं लिखोगे? समझ आ रही है? यस सर। एंड इसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फॉर्मूला में, ठीक है। ये आपका एलिमेंटल मास हो गया, एंड इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर ये इमेजिन करो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी तो लीनियर ऑब्जेक्ट है, अब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, 2D ऑब्जेक्ट है मान लो। 2D ऑब्जेक्ट मतलब जैसे सच एज अ डिस्क और अ प्लेट, ऐसा कोई सिचुएशन है। तो इस केस में आपका एक एलिमेंटल लेंथ जो होगा, ऐसे सोच के देखो, जैसे इमेजिन करो कि डिस्क ही ले लिया आपने, ठीक है, ये एक डिस्क है, दिस इज डिस्क ओवर हियर। तो अभी आपने क्या कर रखा है यहाँ पे, तो अगर इसमें सोचो एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया चूज किया जाए, तो एलिमेंटल एरिया आप कैसे चूज करेंगे, अलग अलग यू नो चॉइस हो सकता है। जैसे इमेजिन करो कि किसी ने क्या किया, यहां से r डिस्टेंस पे गया, और r डिस्टेंस पे जाके उसने क्या किया, ऐसा एक सर्कल बना दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और सर्कल बनाया जो जस्ट थोड़ा सा रेडियस में बड़ा था, जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ये देखो आपको दिख रहा है। तो इसकी थिकनेस मान लो dr, मतलब रेडियस r पे हमने एक dr थिकनेस का एक स्ट्रिप बनाया है, आपको दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। तो ये जो हमने ये जो पतला सा अंदर में स्ट्रिप बना रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंटल एरिया बोलेंगे। ये जो अंदर में हमने बना रखा है, दिस इज एन एलिमेंटल एरिया, ये जो हमने बना रखा है, दिस ओवर हियर इज एलिमेंटल एरिया। पिछली बार जो हमने वहां पे ये यू नो डीएक्स जो बना रखा था, इसको एलिमेंटल लेंथ बोलते हैं, दिस वाज एलिमेंटल लेंथ, एलिमेंटल लेंथ, बट यहां पे इसको एलिमेंटल एरिया बोलेंगे। और ये एलिमेंटल एरिया के लिए अगर हमें मास लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलिमेंटल एरिया के अकॉर्डिंग सोचो। तो अगर आपको मास पर यूनिट एरिया पता है, मान लो मास पर यूनिट एरिया पता है, तो उसको हम सरफेस मास डेंसिटी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर मास डेंसिटी, ये जो हमने निकाला था ये लीनियर मास डेंसिटी था, लीनियर मास डेंसिटी। वैसे ही अगर हम सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करें, मतलब मास पर यूनिट एरिया, सो एलिमेंटल एरिया के लिए हम सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको सिग्मा से लिख रहे हो, तो सिग्मा की वैल्यू जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, मास पर यूनिट एरिया लिखना है, मतलब डीएम एंड डिवाइडेड बाय एरिया लिखना है, डीएम डिवाइड बाय डीए लिखेंगे। आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हां सर। यस सर। ठीक है, ये डीए इज द एलिमेंटल एरिया, डीए जो यहां पे लिखा है दिस इज एलिमेंटल एरिया। तो अगर आपको डीएम निकालना है यहां से, तो डीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू डीए करना पड़ेगा। ये समझ आ रही है आपको? Yes, समझ आ रही है? अगर मान लो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते हैं कि जैसे सिग्मा कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब टोटल मास कितना है और टोटल एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग m बाई a कर लिया, एंड उसके बाद फिर डी ए से मल्टीप्लाई कर लिया, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको टोटल यू नो डी एम मास मिल जाएगी। तो ये इन जनरल निकालने का तरीका हुआ। अब थर्ड केस क्या है, अगर आपके पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, अब आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब जैसे स्फीयर, सिलेंडर, कोन, कुछ भी ऐसे ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, तो इस जितने भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सब के लिए इसमें आएगा। तो इस केस में जैसे आपने सोचो कि नो कि आपने यहाँ पे एक सिलेंडर ही इमेजिन कर लिया, सोचो इमेजिन करो आपने सिलेंडर बना लिया है, अब इसका एक एलिमेंटल वॉल्यूम आपको ड्रॉ करना है। अब इसका एलिमेंटल वॉल्यूम ड्रॉ करोगे तो कैसा ड्रॉ करोगे, जैसे इमेजिन करो कि आपने यहां पे
एक सिलिंड्रिकल शेल ही बना दिया, इमेजिन करो ऐसा एक सिलिंड्रिकल शेल बना दिया, आप विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ सर, विजुलाइज कर पा रहे हो? ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेल बनाया मैंने अंदर में, एक्चुअली सॉलिड सिलेंडर है बट उस सॉलिड सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट एक सिलिंड्रिकल शेल बना दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसका एक एलिमेंटल मास हो गया। Are you getting it? जैसे इमेजिन करो कि किसी ने एक कोन बना रखा है, लेट्स से एक कोन बना दिया, ये एक सॉलिड कोन इमेजिन करो, ठीक है, दिस इज अ कोन, ऐसा एक कोन बना रखा है। अब इस कोन का एक एलिमेंटल मास चूज करना है, तो एलिमेंटल मास आप ऐसा कर सकते हैं, डिस्क बना सकते हैं, जैसे इसको ऐसे सोचो कि ये बहुत छोटे छोटे पतले पतले डिस्क से बना हुआ है, ऐसा इमेजिन करो, आप सोच पा रहे हो? इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये अगर अगर सोचो ये इमेजिन करो कि ये हमारा पूरा का पूरा एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, दिस वॉज अ सॉलिड सिलेंडर, और उसका एक छोटा सा एलिमेंट क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर, एलिमेंटल वॉल्यूम ये होगा, दिस विल बी एलिमेंटल वॉल्यूम, और यहाँ पे ये डिस्क जो है, ये डिस्क जो छोटा सा हमने बना रखा है इस कोन के लिए, वही हमारा क्या हो गया, एलिमेंटल वॉल्यूम हो गया। आर यू गेटिंग इट? यस सर, यस सर। मतलब वो तो एक डिस्क विद छोटा थिकनेस है ना? हाँ, छोटा सा थिकनेस है उसका, इसीलिए तो बोल रहे हैं थिकनेस हुआ तो क्या हो गया, एरिया भी इंक्लूड हुआ डिस्क का और थिकनेस भी इंक्लूड हुआ, तो वॉल्यूम तो बना ना, वॉल्यूम हो गया। हाँ सर, एग्जैक्टली तो हमें ऐसा सोचना है कि एलिमेंट ऐसा चूज करना चाहिए ना जिसको लेके आप पूरा का पूरा असेंबली आराम से बना सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि नो कि अगर मैं सॉलिड सिलेंडर मुझे बनाना है, तो ऐसे हॉलो सिलेंडर्स को अगर यू नो हॉलो सिलेंडर्स का रेडियस को अंदर से बाहर तक धीरे 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 बढ़ाते जाए तो क्या पूरा का पूरा सिलेंडर बन जाएगा? नहीं, हॉलो सिलेंडर ले और इनिशियली अंदर एक्सिस की तरफ ले और धीरे 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 एक्सिस बढ़ाते, एक्सिस से डिस्टेंस उसका बढ़ाते जाए, तो क्या मेरा पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर कवर होगा या नहीं होगा? हाँ सर, होगा। हाँ सर, वैसे ही सॉलिड कोन के लिए सोचो, अगर मैं बोलूं कि ऐसे ऐसे पतले 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 डिस्क से बनाए और जैसे जैसे डिस्क नीचे से ऊपर चढ़ाए रेडियस धीरे 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 घटाते चले जाए, तो क्या हमारा ये पूरा का पूरा डिस्क बन जाएगा? सिलेंडर को भी ऐसे पतले पतले डिस्क से बनाए तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो भी एक चॉइस हो सकता है। देखो आप अच्छा सोच पा रहे हो, इसका मतलब आप सोच पा रहे हो। अब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सिलेंडर को मैं जैसे आपको इसलिए डिफरेंट बनाया ना ताकि आपको सोचने का तरीका मिले, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई एक फिक्स शेप का आपको लेना है, आपको ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड करना होता है कि कौन सा हमें चूज करना है। समझ आ रही है? जैसे इसमें देखो, इसमें जैसे हमने जो डिस्क में हमने क्या चूज किया, रिंग किया ना, दिख रहा है आपको? डिस्क में हमने क्या बनाया था, रिंग बनाया था, नहीं बनाया था? अब अगर किसी और सपोजली किसी को पसंद नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है कि हाँ, अब देखो एक और चीज सोच के देखो, इस डिस्क में सोचो कोई एक दूसरा एलिमेंटल एरिया भी चूज कर सकता था। देखो मैं आपको एक और चूज करके दिखाता हूँ, जैसे इमेजिन करो कि अगर ऐसा किसी ने चूज किया, डिस्क ही बना रहे हैं, ठीक है, डिस्क ही बना रहे हैं, ओहो ये हमारा डिस्क है इमेजिन करो, बट इस बार किसी ने क्या किया, इसको एलिमेंट्स में जब डिवाइड किया तो ऐसे पतले पतले ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड किया, कैसा कर सकते थे? नहीं, सोच के देखो। हाँ सर, जी सर, पिज़्ज़ा की तरह। तुम सोचो इसमें अगर मैं बोलूं, इसमें अगर मैं सोचूं ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप को धीरे 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 एंगल में चेंज करते जाए तो क्या पूरा का पूरा मेरा जो डिस्क है वो कवर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। आर यू गेटिंग इट? वैसे ही डिस्क में मैंने पतला सा रिंग बनाया और रिंग का रेडियस को अगर मैं धीरे धीरे चेंज करते जाऊं तो पूरा का पूरा डिस्क बन जाएगा। समझ आ रही है? तो हमेशा आपको एलिमेंट ऐसा चूज करना होता है कि जिसमें एलिमेंट का एक छोटा सा पार्ट को जब आप वेरी करो किसी एक पैरामीटर के टर्म्स में, जैसे डिस्क में जब रिंग बनाया तो रेडियस को वेरी कर रहे थे, डिस्क में जब पेन आया तो उस ट्राइंगल के लिए मैं एंगुलर पोजिशन चेंज कर रहा हूँ, तो फिर वो कोई एक पैरामीटर को चेंज करके आप पूरा का पूरा एलिमेंट को कवर कर सके, सारा एलिमेंट को कवर कर सके, ऐसा चॉइस आपका एलिमेंटल मासेस के लिए होना चाहिए। समझ आइए आप सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो आपको ये तो समझ आ गई है। तो एलिमेंटल मासेस चूज करना, ये बेसिकली आपको शेप ऑफ ऑब्जेक्ट देख के ही डिसाइड करना होता है, मतलब शेप साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। हाँ, तो इसमें मैं बता रहा था कि आपको इसमें कैसे लेना है, तो एलिमेंटल वॉल्यूम मान लेते हैं डीवी का है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसका भी एक मास होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन करते हैं, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी अगर डिफाइन करोगे, वॉल्यूम
मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखना है यहाँ पे, इसको हम रो से इंडिकेट करते हैं, और इसको जब लिखोगे तो आप डीएम डिवाइडेड बाई डीवी लिखोगे. डीएम इज द मास ऑफ द एलिमेंटल वॉल्यूम डीवी, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको डीएम निकालनी है, तो क्या लिखोगे आप, तो रो डीवी लिखोगे. समझ आई? यस सर. यस हां सर. ठीक है, तो ये बेसिकली इस फॉर्मूले को, बेसिकली ये जो मैंने आपको कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू आर बाय इंटीग्रेशन डीएम करना है, तो डीएम को कैसे लिखना है वो तरीका मैंने आपको आपको बताया है. ठीक है, इसमें एक चीज अभी भी कॉमन है जो फॉर्मूलाज में आएगा, जैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी केस हो, जो कॉमन फॉर्मूला वो यही है. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. लिखने का तरीका चेंज हो रहा है हमारे पास. ठीक है, अब इस डीएम की वैल्यू को हमें अगर सोच के देखो, इस डीएम को डीएम ही रहने देते हैं और आर वेक्टर को हम चेंज करते हैं. यहाँ पे आर वेक्टर को हम लिख लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप. ठीक है, आप ये बताओ मुझे इसमें एक्स वाई जेड क्या है, क्या एक्स वाई जेड? कोऑर्डिनेट्स है. कोऑर्डिनेट्स है. एक्स वाई जेड क्या है, किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप स्पेसिफिकली बोलो किसके कोऑर्डिनेट्स हैं. एलिमेंट जो चूज किया है जिसका मास डीएम है. एलिमेंटल मास, एलिमेंटल मास का सेंटर. गुड, अभी स्पंदन ध्यान से सुन रहे हैं, अभी स्पंदन ध्यान से सुन रहे हैं. एलिमेंटल मास जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट सही है. समझ आ रही है? सो एक्स वाई एंड जेड ओवर हियर, X, Y, Z is the coordinates of the COM of the elemental mass DM. Elemental mass DM. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप. तो उसके अकॉर्डिंग अब आप देखो, अगर आपको XCOM चाहिए, XCOM चाहिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन DM into X divided by integration DM? देखो तो लिख सकते हैं क्या ऐसा? ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर y cm चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dm into y and divided by integration dm, and आपको z कोऑर्डिनेट, आपको सेंटर ऑफ मास का चाहिए z cm, तो ये भी आपका इंटीग्रेशन ऑफ dm into z and divided by integration of dm हो जाएगा. आई होप एवरीबडी गॉट दिस. यस यस सर. अभी जस्ट फॉर्मूला बताया बेटा, अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताया है, अभी इसका यू नो रिजल्ट्स तो डिराइव करेंगे अभी इन सब से रिलेटेड. हाँ, कौन सा पार्ट बोल रहे हो बेटा? आप कोई कुछ पूछ रहे थे शायद कि कौन सा पार्ट आपका मिस हो गया था, उनके बाद मैं कहूंगा. हाँ सर, हो गया सर. ठीक है, अच्छा ठीक है, अब डाउट पूछ लीजिए बेटा. कौन डाउट पूछ रहे, एक बार नाम बताइए, मैं आपको आइडेंटिफाई करने वाला हूं. सर मैं सौरदीप. हाँ सौरदीप बोलो. सर ये जो आपने लिखा है कि एक सफीक COM, तो इसको क्या हम एक सफिक CM लिख सकते हैं? हाँ, मतलब मतलब सबस्क्रिप्ट में बोल रहे हैं ना, CM लिखा होता है. हाँ, नहीं, CM नहीं, X के सबस्क्रिप्ट में CM. हाँ, X के सबस्क्रिप्ट में COM आपने लिखा है, तो किताब में हमने देखा कि CM लिखा है, एक सफिक CM. अच्छा CM, अरे वो तो कन्वेंशन है बेटा. तुमको अच्छा लगता है कि तुम बीबी सर को, यू नो, मेरे को बीबी सर बुलाते हो, कोई और मुझे विश्वजीत बुलाता है, कोई मेरे फ्रेंड्स है वो मुझे बिशु बुलाते हैं. नाम से क्या आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ये बताओ मुझे. नहीं सर, मैं तो वो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि मैं यूज कर सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरा कन्वीनियंस है, मैं COM लिखता हूँ. आपको अगर CM कन्वीनियंट लगता है तो आप CM लिखिए, कोई इशू नहीं है. ठीक है, कोई इशू नहीं है. नहीं सर, किताब में लिखा था इसलिए. बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं, सिर्फ CV लिखते हैं. बहुत सारे बुक्स सिर्फ CV लिखते हैं, जैसे एस के सब्सक्रिप्ट में सी लिख दिया, वाई के सब्सक्रिप्ट में सी लिख दिया, जेड के सब्सक्रिप्ट में सी लिख दिया, वो भी लिख सकते हैं आप, आपको वो कन्वीनियंट लगता है. ठीक है, कोई इशू नहीं है. सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो. मैं बोल रहा था कि ये फॉर्मूला का मतलब कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला ही हमें COM का कोऑर्डिनेट देगा? जैसे ये वेटेड एवरेज की तरह होता है बेटा. वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कैसे समझाऊं तुम्हें, जैसे इमेजिन करो कि अगर आपको अगर क्लास में किसी का एवरेज एज निकालना होता है, एवरेज मार्क्स निकालना होता है,
तो अब क्या करते हैं, इंडिविजुअली सारे मार्क्स, सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर करते हैं, करते नहीं करते? तो उसमें क्या है कि जैसे अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट का, अगर मान लो कि मतलब मान लो कि 95 मार्क्स मान लो चार लोगों का आया है, तो 95 अगर चार लोगों का आया है तो इंडिविजुअली 95 को आप चार बार नहीं लिख के आप क्या करते हैं, डायरेक्टली 95 into 4 लिख देते हैं ना? हाँ सर। करते नहीं करते? तो ये जो 95 है क्या है, उसका मार्क्स है, ठीक है, और 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स 94 है, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालते वक्त भी आया है कि अगर आप जैसे कितना मास है और वो कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ, अगर एक केजी है, अगर एक केजी रखा हुआ है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, अगर वही उसी लोकेशन पे अगर दो केजी रख दिया आपने, तो एक केजी प्लस एक केजी वहां पे दो बार लेना पड़ेगा आपको। हाँ सर, समझ आ रही है? जैसे मान लो कि अगर आपने एक केजी मास रखा होता है 10 सेंटीमीटर पे, और यू नो अगर मान लो आपने 2 केजी रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, तो 1 केजी इंटू मतलब, और जो 20 सेंटीमीटर पे आपने 2 केजी रखा है, 2 केजी रखा है, नहीं कितना बोला, 1 केजी रखा था 10 सेंटीमीटर पे और 2 केजी रखा है 20 सेंटीमीटर पे, तो 2 केजी को आप क्या करो, स्प्लिट करके 1 केजी और 1 केजी रखो और 20 सेंटीमीटर पे रखो, तो अब आपके पास 3 1 केजी का मास है, है ना? तो उस केस में आप क्या लिखोगे, जो एवरेज डिस्टेंस आएगा वो क्या लिखोगे आप, 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3। समझ आ रही है? हाँ सर। तो अगर तुम इनडायरेक्टली देखोगे तो 20 सेंटीमीटर तुमने दो बार लिखा ना, हाँ सर, और उसको डायरेक्टली 2 × 20 कर सकते थे। हाँ सर, कर सकते थे। तो 2 × 20 मतलब क्या किया आपने, मास से पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई किया ना डिस्टेंस को, समझ आ रही है? हाँ सर। तो उस तरह से इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। वेटेड एवरेज मतलब कि बेसिकली जितना मास है उसके प्रोपोर्शन पे जो उसका पोजीशन वेक्टर होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है एंड उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है इसमें, बस इतना ध्यान रखो कि फॉर्मूलाज कहां से मतलब क्या है, बस इसका ही एप्लीकेशन है, ठीक है? आगे बढ़े सर, ठीक है। अब मैं आपको छोटे छोटे कुछ एप्लीकेशंस दिखाता हूँ। पहले फॉर्मूला आपने सीख लिया है, अब बस इसका एप्लीकेशंस करा रहे हैं। एप्लीकेशंस पहला है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2.5 सिस्टम। मान लो आपको 2 पॉइंट मास सिस्टम दिया हुआ है और इसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करनी है, ठीक है, 2 पॉइंट मास के लिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट मास है, लेट अस से दिस इज M1, और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे मान लो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट मास रखा हुआ है, लेट अस से दिस पॉइंट मास इज M2, और इन दोनों पॉइंट मास के बीच की जो सेपरेशन है ये नोन है हमें, ठीक है, दिस सेपरेशन इज से R, ये आर डिस्टेंस दी हुई है और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि M2 ग्रेटर देन M1 मुझे दिया हुआ है, ठीक है, M2 M1 से बड़ा है ये मुझे दिया हुआ है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं एक जगह पे मान लिया मैंने, ठीक है, इतना तो पक्का है कि इन दोनों को जो कनेक्ट करता हुआ लाइन है उस पर ही होगा, है नहीं है? हाँ सर, ठीक है। तो इस पे मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास कहीं एक जगह पे मान लिया मैंने, यहाँ पे स्टार मार्क करके दिखा रहा हूँ, लेट अस से कि यही हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इधर से मान लेते हैं ये R1 डिस्टेंस पे, ठीक है, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, M1 से R1 डिस्टेंस पे और M2 से R2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब इसका सेंटर ऑफ मास को आप लोकेट करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिफाइन ओरिजिन समवेयर। आप जहां मन करे वहां डिफाइन कर सकते हैं, ओरिजिन से कोई मतलब नहीं पड़ता है, आपको कैलकुलेशन जिसमें आसान दिखता है वही चूज कर लो। जैसे किसी ने क्या किया, किसी ने कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो ऐसे ही चूज कर लिया कि जहां से M1 है, जहां पे M1 लोकेटेड है उसके थ्रू जो वर्टिकल है हमने ड्रॉ किया उसी को वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये वाली जो लाइन बन रही है इसी लाइन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं ना? ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आप कैसा भी चूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, क्या मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ COM, क्या ये R1 दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है।
एंड बाय फॉर्मूला ये कितना होना चाहिए, m1 into x1 plus m2 into x2 divided by m1 plus m2 होना चाहिए। हाँ सर। राइट, देखो तो x1 का वैल्यू कितना है, जीरो है क्या? Yes, नहीं sir. है क्योंकि m1 देखो ओरिजिन पे रखा हुआ है, m1 is placed at origin, और जो x2 है क्या उसका वैल्यू r है देखो तो। हाँ सर। इसका मतलब यहां से क्या निकला, देखो डायरेक्टली देखो आपको r1 मिल गया है, r1 की वैल्यू कितनी आ गई है, r1 is m2 divided by m1 plus m2 and that multiplied with r, देखो मिल गया आपको, दिख रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो तुरंत से मिल गया आपको, इसको इस रिजल्ट को देख के अब आप r2 का वैल्यू भी तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल डिस्टेंस r था ना। हाँ सर। है ना, तो देखो r2 अगर निकालोगे तो r2 की वैल्यू आ जाएगी, R से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो क्या रहा है, M1 divided by M1 plus M2 that multiplied with R, देखो तो यार है क्या? हाँ सर। Is it coming? ठीक है, तो ये आपको R2 की वैल्यू मिल गई है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, इफ यू नोटिस फ्रॉम समथिंग फ्रॉम दीज टू रिजल्ट, इससे एक यूनिक सी चीज दिखेगी, इन दोनों से एक अच्छी चीज दिखेगी आपको, और वो अच्छी ऑब्जर्वेशन क्या है ये बताओ मुझे, क्या ऑब्जर्वेशन अच्छी है यहाँ पे बताओ, कुछ नहीं दिख रहा? M1 R1 का वैल्यू और M2 R2 का वैल्यू सेम आ रहा है, नहीं दिख रहा आपको? हाँ सर। राइट, इसका मतलब जो हैवियर मास है M2 इज हैवियर, तो उससे जो डिस्टेंस आना चाहिए था वो छोटा आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? हाँ सर। आना चाहिए था ना। हाँ सर। राइट, तो सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा वो हैवियर मास की तरफ शिफ्टेड होता है, M2 हैवियर था इसीलिए देखो मैंने सेंटर ऑफ मास जो है ना वो M2 की तरफ शिफ्टेड दिखाया है, अगर M1 हैवियर होता तो M1 की तरफ ये शिफ्टेड होता। ठीक है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है इस केस में देखो जो फॉर्मूलाज हमने देखा है, देखो ये रेशियो अगर आप देखोगे तो R1 और R2 का जो रेशियो आ रहा है, देखो R1 और R2 का रेशियो ये M2 by M1 आ रहा है, ये दिख रहा है? M is proportional to 1 by R, हम कह सकते हैं। हाँ, R मतलब distance of the mass M M1 is inversely proportional to M1, ये कह सकते हैं आप, inverse proportion में। हाँ। मतलब जो distance है वो inversely proportional to mass आ रही है। हाँ। मतलब जो बड़ा मास होगा उसके साथ क्लोजर होगा और जो छोटा मास होगा उसके साथ दूर होगा हाँ उससे दूर होगा, ये चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं। तुम ये चीज का ध्यान रखना, पहली चीज तो ये है जो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखनी है, दूसरी चीज ये भी देखो, दूसरी चीज ये नोटिस करो, अगर सपोजिडली आप ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास से ही चूज करते, इमेजिन करो सेंटर ऑफ मास से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते, सेंटर ऑफ मास से वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रॉ करते, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आता, जीरो आता है? नहीं आता। हाँ सर। समझ आ रही सबको? अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर मान लो कि चॉइस आपका ऐसा होता, यहाँ से लाइन आपने पास करा दिया, इसी को वाई एक्सिस बना दिया होता, तो अब आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना था, जीरो आता है नहीं आता? तो इस केस में आप क्या लिखते, XCOM इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो उस केस में आप XCOM का फॉर्मूला जो लगाते तो M1 का कोऑर्डिनेट्स कितना था, माइनस R1, एंड प्लस M2 का कोऑर्डिनेट्स कितना था, R2, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इक्वल टू जीरो, देखो तो सेम रिजल्ट आ रहा है, नहीं M1 R1 इक्वल टू M2 R2 आ रहा है? हाँ सर। समझ आ रही है, तो इस मैं ये इसको दोबारा करके इसलिए दिखाया क्योंकि आपको ये समझ आना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स आप कहीं पे भी चूज, मतलब जो ओरिजिन का चॉइस है वो आप कहीं पे भी चूज करो, जो लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम आएगा वो एक ही जगह पे आएगा, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस चॉइस डिफरेंट लेने से आपके रेस्पेक्ट में कितना दूर है वो डिफरेंट हो जाएगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम हर बार एक ही रहेगा। समझ आ रही है? ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे के चॉइस पे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है कहां पे लाई करेगा वो इंपॉर्टेंट, मतलब डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, ओके, आपने एक चीज देखा है, आप लोगों ने बचपन से ही एक टॉय देखा होगा, अगर आपको याद है एक पंचिंग टॉय होता है, याद है, जो इन्फ्लेटेड होता है और नीचे में बहुत हैवी होता है वो। हां सर। उसको कितनी बार भी मारो, कितनी बार भी मारो कभी मतलब गिर के नहीं रहता है, गिराया तो जाता है, मतलब वो नीचे तो जाता है बट वो वापस ऊपर हो जाता है।
वो क्यों होता है? क्यों होता है पता है? क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना वो एकदम नीचे में ही लाइक करता है. जैसे ये टॉय है, मान लो ये टॉय है, इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एकदम जमीन पे, क्योंकि वहां पे हैवी मतलब वहां पे क्या होता है ना, सैंड भिगा के डाल देते हैं, सैंड भिगा के डाला होता है तो वो बहुत हैवी हो जाता है. तो सैंड भिगा के हैवी हो गया और ऊपर में क्या एयर है, एयर के कंपैरिजन में ये तो हैवी है या नहीं, हैवी है ना. हाँ सर, हाँ सर, समझ आ रही है. तो इस केस में सेंटर ऑफ मास आपका किधर चला जाएगा, क्या नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पूरा सोच के देखो. क्योंकि ऊपर में तो एयर है, ऊपर में एयर है, ऊपर में एयर है मतलब ये तो जीरो मास के आसपास है ना. एयर का मास कितना होता है, नेग्लिजिबली तो होता है. यस सर, राइट. तो ये सोच के देखो, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा वॉल्यूम में जो है वो एयर है और वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम का है, और यहाँ पे नीचे में छोटे से वॉल्यूम में वो पूरा का पूरा भेगा के सैंड रखा हुआ है. तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है. अगर सेंटर ऑफ मास यही है तो उस केस में उसका जो वेट एड करता है ना वो वहीं से एड करता है. तो वेट वहां से एड करेगा तो इस केस में क्या, जब आप इसको पलटी करोगे तो उस केस में क्या होता है, वेट यहां से एड करता है, उसको वापस से क्या करता है, घुमा के इधर लेके जाता है. समझ आ रही है? हाँ सर, ठीक है. तो ये चीज का ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास हमेशा जो है वो हैवी मास की तरफ शिफ्टेड होती है, ठीक है. तो इससे हमें ये ध्यान रखना है, इससे हमें ये ध्यान रखनी है, इससे ये पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज शिफ्टेड, COM इज ऑलवेज शिफ्टेड क्लोजर टू हैवी मास, ठीक है. ये पहली चीज है जो ध्यान रखनी है. दूसरी चीज, अगर मान लो M1 M2 सेम होता तो क्या R1 R2 भी सेम नहीं हो जाते, होते नहीं होते, राइट. वो तभी का केस में, तब उस केस में स्पेसिफिकली आपका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच लाई करता. अगर मासेस आइडेंटिकल होंगे तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, अगर मास आइडेंटिकल नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई नहीं करेगा. अगर बीच में लाई कर रहा है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा? जैसे अगर M1 M2 आइडेंटिकल है तो अगर मैं बोलूं इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा, यहां से बीच से पास करता हुआ होगा, नहीं होगा. तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां लाई करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा, ये ध्यान रखना. अगर मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है तो कहां पे लाई करेगा, दोनों पे लाई करेगा. और दोनों पे लाई करेगा इसका मतलब जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां लाई करेगा. हाँ सर, है नहीं है, ठीक है. जैसे अगर सोच के देखो, ये दो पॉइंट मास मैंने बोला, ये दो पॉइंट मास का असेंबली बोला, तो ये दो पॉइंट मास को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन जो है ये वाला लाइन, ये भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? हाँ सर, है. ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और एक लाइन यहां से भी पास कर रहे हैं आप, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है. तो उन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पे आया, उन दोनों का इंटरसेक्शन बीच में ही तो आया. तो इंटरसेक्शन बीच में आया इसका मतलब सेंटर ऑफ मास वहां लाई करेगा. तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर मासेस आइडेंटिकल होंगे तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा, अगर दो पॉइंट मास नहीं है, अगर मल्टीपल पॉइंट मासेस का है और उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो सेंटर ऑफ मास वहां लाई करेगी जहां पे आपकी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट कर रही है. समझ आ रही है? ठीक है, यस सर, यस सर, ठीक है. इफ मासेस वर आइडेंटिकल, मासेस वर आइडेंटिकल, then COM would lie at the middle. ठीक है, तीसरी चीज, if line of symmetry, line of symmetry, इसको LOS कहते हैं, line of symmetry exists, then COM will lie on it, and if there are multiple LOS, multiple LOS line of symmetry, then COM will lie at the point of their intersection, point of their इंटरसेक्शन, ठीक है. अब इनका एप्लीकेशन करके आपको दिखाता हूं. देखो इनका छोटे छोटे एप्लीकेशन, अभी जो आपको सिखाया है उस पे बेस करके मैं आपको दो चार छोटे छोटे एप्लीकेशन दिखा रहा हूं. देखो
सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे क्यों क्यों आप भूल गए कुछ लिखना या छूट गया सर छूट गया थोड़ा छूट गया एक वर्ड ठीक है दिखा दे रहा हूँ ठीक है बेटा दिखा रहा हूँ एक मिनट रुकिए जस्ट अ सेकंड मिनट टर्न तो कर जा भाई ठीक है हाँ क्या देखो क्या छूट गया आपका ये वाला पार्ट हो गया वो इंटरेक्शन छूट गया ओके ठीक है अभी हटाऊं इंटरेक्शन नहीं बेटा इंटरसेक्शन है इंटरेक्शन लिख रहा थप्पड़ करेगा तो ठीक है सर हाँ हटा दीजिए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हाँ ओके सर ठीक है इमेजिन करो कि एक डिस्क है ठीक है और इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं चिपका देते हैं ये डिस्क है और ये वाला इमेजिन करो आपका एक स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है और दोनों यूनिफॉर्म है सेम मेटल के बने हुए दिस इज स्क्वायर प्लेट बोथ आर ऑफ सेम यूनिफॉर्म मटेरियल आप बताएंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा मतलब किस तरह लाई करेगा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं चाहिए जस्ट कहाँ लाई करेगा किस तरफ ये बता दो मुझे क्या लाइन ऑफ सिमेट्री आप देख पा रहे हैं इसका हाँ सर क्या आपको कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है देखो तो ऑरेंज लाइन मैंने जो ड्रॉ किया सर ओके आप बताओ मुझे डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो उसके बीचों बीच लाई करेगा इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है ना सो ये सीओ एम है ये सीओ एम है डिस्क का तो इसको सी वन लिख लेते हैं ठीक है वैसे ही जो स्क्वायर प्लेट है उसका सीओ एम उसके बीच में लाई करेगा ये सी टू लाई करेगा ठीक है अब अगर आप एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो इधर से ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस आर है सर्कल का और वही रेडियस आर यहां पे भी है या नहीं है साइड लेंथ एल बाई टू है और एल बाई टू तो आर ही है नहीं है कैसे पता चल रहा है क्योंकि देखो मैंने वर्टिकली देखोगे तुमको समझ आ जाएगा देखो वर्टिकली देखो स्क्वायर प्लेट का डायमेंशन एल है और देखो उसका डायमीटर आर है दिख रहा है आपको टू आर है सॉरी दिख रहा है हाँ सर टू आर इज इक्वल टू एल तो एल की वैल्यू कितनी हो गई बाई टू तो हो गई समझ आ रही है हाँ सर अब बताओ मुझे सेंटर ऑफ मास किस तरफ लाई करेगा स्क्वायर के अंदर क्यों जस्टिफाई करो क्यों जस्टिफाई करो क्योंकि स्क्वायर का एरिया है तो फिर मतलब एरिया जो है सर्कल से ज्यादा है सर स्क्वायर का मास होगा वो सबसे ज्यादा होगा गुड इसीलिए तो उसने शिफ्ट जो... होगा अगर सही कह रहे हैं सही कह रहे बेटा सही कह रहे हैं आप तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि सिंस उसने ऑलरेडी कह रखा है ये दोनों सेम मास का है सेम सॉरी सेम यूनिफॉर्म मटेरियल का है तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि जो मास होगा प्लेट का दैट विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ डिस्क रीजन बीइंग सिंस एरिया ऑफ प्लेट इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ डिस्क बस इसी से कंक्लूड कर लिया हमने और जैसे आपको ये पता चल गया कि मास ऑफ प्लेट ग्रेटर है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्टेड होना चाहिए इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा इधर कहीं लाई करेगा समझ आई आपको हां सर यस सर ठीक है अगर दोनों अलग अलग मटेरियल के होते तब ऐसा पॉसिबिलिटी था कि आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो यू नो जो दोनों का टचिंग पॉइंट है वहां पे लाई करता ये पॉसिबिलिटी था मैं कह रहा हूँ दैट वाज अ पॉसिबिलिटी बट उसके लिए दोनों का मटेरियल डिफरेंट होना पड़ता कौन सा ज्यादा डेंसिटी का होना था कौन सा कम सर्कल ज्यादा डेंसिटी का
सर्कल ज्यादा डेंसिटी का होना चाहिए, सही कह रहे हैं, जो सर्कल मतलब जो डिस्क है वो ज्यादा डेंसिटी का होना चाहिए, सही कह रहे हैं। चलो अभी दूसरा एप्लीकेशन लिखता हूँ। ये 2L लेंथ का है और ये मान लो आपका L लेंथ का है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ये दे रखा है द एंटायर असेंबली इज ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल एंड थिकनेस, मतलब थिकनेस भी हर जगह सेम है, लोकेट CM, यही बोला उन्होंने, CM को लोकेट करना है, ठीक है, कहाँ पे लाइक करेगा। सबसे पहला चीज ये ऑब्जर्व करो कि लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, करती है सर, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहले मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये बीचों बीच आ रहा है, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, एलओ एस है ये, ओके। तुम ये देखो, इसने मासेज नहीं दिए आपको रॉड के, ये आपको दिख रहा है मासेज नहीं दिए ना, दी के मास के नहीं सर, बट आप एक चीज कॉमन सेंस से जरूर कह सकते हैं कि मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये रॉड है, याद है आपको मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना, हाँ सर। तो इस केस में, इस केस गुड, ठीक है बेटा, अगर मैं सोचो अगर जो नीचे वाला रॉड है उसका मास को मैं अगर m अज्यूम करता हूँ, तो बाकी दोनों जो वर्टिकल रॉड है उनके मास को 2m अज्यूम कर सकते हैं क्या, सेफ होगा हमारे लिए, हाँ सर, ठीक है। तो इस केस में आप ये सोच के बताओ, मुझे सोच के ये बताओ कि अगर मैं ये बोलूं कि जो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड है उसके उसके लोकेशन पे मैं m प्लेस कर दूं, तो क्या कोई मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, यहां पे m प्लेस कर दिया, सही कर रहा हूं, ठीक है। अब उसी तरह से मैंने जो बाकी दोनों रॉड है उन दोनों का सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन ले लिया है, उन दोनों के सेंटर ऑफ मास से पास, सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन ले लिया है, और अकॉर्डिंगली उनके इंडिविजुअल सेंटर पे 2m और 2m प्लेस कर दिया, क्या ये कर सकते हैं हम, हाँ सर कर सकते हैं। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है तीन रॉड का है या तीन पॉइंट मास का है, तीन पॉइंट मास का है, ठीक है, ओके। अभी अभी फिलहाल के लिए नीचे वाले मास को छोड़ दो, अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले दोनों का बात करो, ये 2m जो 2m है ये दोनों आइडेंटिकल मास है या नहीं, आइडेंटिकल है सर, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके बीच में लाई करेगा क्या, हाँ सर, इसका मतलब ये 2m को उठा के यहाँ पे रख दिया और ये 2m को उठा के यहाँ रख दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का लॉजिक ही वही था, इट इज वन सच पॉइंट वेयर द एंटायर मास कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, मतलब 4m, समझ आई, यस सर। अब ये क्वेश्चन क्या दो दो तीन पॉइंट मास का है या दो पॉइंट मास का है, उसमें से एक तो आपको पता चल चुका है m है और दूसरा कितना है 4m है, yes, sir. Right? और सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्टेड होता है, ज्यादा मास की तरफ, तो इसका मतलब क्या मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्टेड दिखा सकता हूँ, और देखो अगर मुझे ये डिस्टेंस अगर मार्क करनी है, देखो ये डिस्टेंस मार्क करनी है, तो ये डिस्टेंस मैं किधर से मेजर कर रहा हूं, m की तरफ से या 4m की तरफ से, m की तरफ, m की तरफ, और m की तरफ से अगर मेजर कर रहा हूं, अगर m की तरफ से मेजर कर रहा हूं तो किसके मास के प्रोपोर्शन होगा, m के प्रोपोर्शन होगा या 4m के प्रोपोर्शन होगा, 4m की, तो क्या लिखेंगे इसको, 4m डिवाइडेड बाय 5m इनटू द टोटल सेपरेशन व्हिच इज l, देखो ये वाला सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन तो l है ना, हां सर, m और 4m के बीच का सेपरेशन कितना है, l, इस मतलब L लिख लिया, देखो ये 4L by 5 मिल गया क्या आपको, हाँ सर, समझ आ रहा है आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझ आ रहा है, हाँ सर, यस सर। तुम देखो एक एक तो है कि इसमें भी आप फॉर्मूला लगा के m1x1 plus m2x2 plus m3x3 divide by m1 plus m2 plus m3 कर सकते हैं, फिर m1y1 plus m2y2 plus m3y3 divide by m1 plus m2 plus m3 कर सकते हैं, बट उससे छोटा तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ जो काफी कंसेप्चुअल है और लॉजिकल है,
ये आपको ग्रास्प करना है क्योंकि इससे टाइम बचेगा, अदरवाइज वैसे करते रहोगे तो आंसर पे तो पहुंच जाओगे बट बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है? अगर कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ लो। इस बात को और एक बार रिपीट करेंगे। मैंने बोला कि एक तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करके भी तो निकाल सकते थे ना, जैसे आपने एक्स एक्सिस मान लिया होता एक जगह, वाई एक्सिस मान लिया होता, जैसे सपोजली आपको किसी ने ऐसे बोल रखा है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता आपको, लेट अस से उसने आपको क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, मान लो ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस बना रखा है, येलो लाइन दिख रही है आपको, हल्की हो रही है थोड़ी, हां सर दिख रही है, और ये x एक्सिस बना रखा है, ठीक है, ये x एक्सिस और y एक्सिस बना रखा है। अब बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, तो अब तीन मास का इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको पता है कि नहीं? m का पता है l by 2 comma 0, 2m का पता है 0 comma l, और एक 2m का पता है l comma l, ये पता है ना आपको? हाँ सर, ठीक है, तो अब तीनों के इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, और x कोऑर्डिनेट का फार्मूला सेंटर ऑफ मास का लगा लेते हैं m1x1+m2x2+m3x3/m1+m2+m3, वैसे y कोऑर्डिनेट के लिए भी लगा लेते हैं, तो ये लेंथी होता है नहीं, आप सोच के देखो। हां सर लेंथी समझ आई, ठीक है, तो ये लेंथी होता आपके लिए बट आंसर तो उससे भी पहुंचते आप। चलो अब एक खुद आप ट्राई करके देखो, एक आप खुद ट्राई करके देखो आपसे बन रहा है कि नहीं। इमेजिन करो हमारे पास दो रॉड्स हैं, ये एक रॉड है और ये एक और रॉड है, ठीक है, दोनों ही सेम मास और लेंथ के, ML और ये भी ML, ठीक है, और मान लो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिफाइन करके दे रखा उन्होंने, ये है y एक्सिस और ये मान लो आपका x एक्सिस है, ठीक है, मैंने आपको पूछा है लोकेट COM, एंगल थीटा दे रखा है इन दोनों के बीच में, लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ COM, कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, देखो कितना आ रहा है, करो जल्दी करो, आपको दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, हाथ दे जाओ, L cos square theta by 2 or L cos theta by 2 sin theta by 2, ठीक है, ठीक है सर, L by 2 होगा दोनों में, L by 2, L तो पूरा समझ गया, समझ गया, सबके अटेम्प्ट हुए, नहीं सर, ठीक है जल्दी करो, देखो पहले आपको मैं लंबा वाला तरीका ही करके दिखाता हूँ, पहले इस बार कोऑर्डिनेट्स के तरीके से दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट से दिखाऊंगा, देखो मैं कर रहा हूँ, चेक करो सभी को, सिंस दोनों ही सेम मास और लेंथ के हैं तो दोनों का जो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास होगा
वो उनके लिए रेस्पेक्टिवली कहाँ पे लाई करेगा ये हमें पता है, ये एक का सेंटर ऑफ मास C1 और ये दूसरे का सेंटर ऑफ मास C2, ऐसा ही होगा ना L by 2 पे होगा, ठीक है? ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, दिस डिस्टेंस विल बी L by 2. तो देखो तो C1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आपको पता है, C1 का कोऑर्डिनेट्स कितना है, L by 2 into cos theta और L by 2 into sin theta, है या नहीं है? हाँ सर. है? हाँ सर. और C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? C2 के कोऑर्डिनेट्स L by 2 comma 0 है? हाँ सर. तो अगर आप x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते तो क्या लिखते आप, m1x1 मतलब m into L by 2 cos theta प्लस m2x2 मतलब m into L by 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज 2m. m तो कॉमन है कट जाएगा, और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो L by 4 कॉमन ले लें तो यार ये 1 प्लस cos theta रही है. आ रही है? आ रही है ना? हाँ सर. हाँ सर. और इसको अगर सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज करें तो इसको ऐसा ले सकते हैं, L by 4 into cos 2 theta होती है 2 cos square theta minus 1, तो cos of theta होगी 2 cos square theta by 2 minus 1, मतलब ये हो जाएगा 2 cos square theta by 2. तो इसको आप लिख सकते हैं, this is L by 2 into cos square theta by 2. सही है ना? सही है? ठीक है बेटा? हाँ सर. ओके अभी देखो आप y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, ठीक है, सेम तरीके से. सो y से हम निकालनी है तो इसको लिखेंगे m1 into y1. सो m1 ही लिख रहे हैं, ठीक है, m into L by 2 sin theta plus m into 0 divided by 2m. m तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच रहा है L by 4 sin theta. आ रहा है क्या? यस. तो देखो आपको x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट भी मिल गया, आपने लोकेट कर लिया सेंटर ऑफ मास. अब इससे तो आपने मैथमेटिकली किया, ज्यादा कुछ समझा नहीं, आपने बस फॉर्मूला लगा दिया है. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप समझ के करते तो कितनी आसानी से करते. देखो क्या पहला चीज ये आइडेंटिफाई करो, क्या लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है या नहीं. क्या लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है? हाँ सर. तो सबसे पहला काम ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे. क्या ये बाइसेक्टर वाला लाइन ही लाइन ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर. ठीक है, तो इसको मैं लाइन ऑफ सिमेट्री लिख ले रहा हूँ, ठीक है, दिस इज एल ओ एस, ठीक है. इसका मतलब इधर से अगर मैं ये एंगल को इधर से मार्क करूँ तो ये थीटा बाई टू होनी चाहिए और इधर से भी थीटा बाई टू होनी चाहिए, यही है ना? ठीक है, ठीक है. और C1 पे जो मास है और C2 पे जो मास है, ओके, C1 पे जो मास है और C2 पे जो मास है वो दोनों मासेस आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब है उन दोनों का जो कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ मास होगा उनके बीचों बीच लाई करेगा, राइट? ऐसा कुछ होगा? हाँ, कोई नहीं होगा. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास जो होगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास ये वाली पॉइंट है, देखो तो दिस इज द लोकेशन ऑफ COM, कह सकते हैं? हाँ सर. हाँ सर. सर देखो अब मुझे एग्जैक्टली समझ आ रहा है, देखो मैं पूरा पिक्चराइज कर पा रहा हूँ कहाँ है. तुम जब फॉर्मूला लगा रहे हो तो पिक्चराइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैथमेटिकली कर रहे हो. मेरे को एक्चुअली विजुअलाइजेशन हो रही है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है. अब देखो सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को हम सी मान लेते हैं, ठीक है, लेट्स से दिस सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है सी, ठीक है, सी लिख ले रहे हैं, ठीक है. तो आप ये बताओ मुझे, ओरिजिन को अगर ओ लिख रहे हैं तो क्या ओसी का लेंथ आपको पता चल चुका है? ओसी का लेंथ कितना है? देखो तो एल बाई टू कॉस ऑफ थीटा बाई टू है क्या? Yes. है? Yes, sir. अब अगर आपको OC का लेंथ पता चल चुका है, if you know the length of OC, can you find out the x component of OC? Yes, sir. ये देखो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा यही तो आपका x कोऑर्डिनेट है ना, एंड करेस्पॉन्डिंगली जो y कोऑर्डिनेट भी आएगी ये भी आप निकाल सकते हैं. ये देखो ये हमारी y कोऑर्डिनेट है, तो आप आराम से निकाल पाओगे. सो दिस बिकम्स योर एक्स सी ओ एम एंड दिस बिकम्स वाई सी ओ एम. तो अब एक्स सी ओ एम और वाई सी एम को आराम से लिख सकते हैं. सो ऑल्टरनेटिवली दिखा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सोल्यूशन नहीं, कोई एक ही करते हैं हम एग्जामिनेशन में. तो एक्स सी ओ एम की वैल्यू कितनी हो गई है? ओ सी इंटू
cos of theta by 2. देखो तो ये है ना OC cos theta by 2 देखो तो हाँ सर ठीक है और OC का लेंथ कितना निकाला था हमने L by 2 cos theta by 2 तो सब्स्टिट्यूट कर दो so L by 2 into cos theta by 2 into cos theta by 2 क्या ये cos square theta by 2 हो गया क्या हो गया yes sir एंड सिमिलरली अगर YCM चाहिए तो अभी हमें क्या करना है OC into sin theta by 2 करना है और इसको लिखोगे तो L by 2 into sin of theta by 2 into cos of theta by 2 ये है आप इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो और इधर हाफ निकाल लो तो देखो तो ये क्या आ गया L by 4 sin theta आ गया नहीं आ गया हाँ सर हाँ सर देखो मैच कर गया देखो मैच कर गया रिजल्ट देखो दो मेथड से किया एक जो है ऊपर वाला पूरा का पूरा मैथमेटिकल है आपको जस्ट फॉर्मूला पता है आप निकाल रहे हैं आपको कुछ फील नहीं हो रहा है बट सेकंड वाला मेथड में आप एक्चुअली विजुलाइज कर पा रहे कहां पे और उसके बाद तो ज्योमेट्री के बेस पे आप यू नो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कहां पे आना चाहिए आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आ रहा है ना बेटा यस सर ठीक है अगर कंसेप्चुअली कहीं पे भी डाउट हो रही है तो पूछ लो क्योंकि ये एक कंसेप्चुअल चीज है ये सब आपको समझ आनी चाहिए ये सब नहीं अगर दिक्कत आएगी तो आगे का चैप्टर बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए अगर ये एक M मास का होता है एक दूसरा 2M मास का होता तब तो इतने आसानी से नहीं निकलता ना हाँ सर है ना तब तो लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है फिर मैथमेटिकल तरीके से ही करना पड़ता तब आपको मैथमेटिकली करना पड़ता तब आपको कोई एनालिटिकल तरीका नहीं ढूंढ पाते ठीक है ओके सर एक और आप ट्राई करो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ठीक है एंड इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का चॉइस दे रखा उन्होंने ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस ठीक है इसमें साइड्स को नाम दे देते हैं इसको ए बी सी कह लेते हैं ABC is equilateral triangle, ठीक है? And AB and BC are double the thickness as compared to AC. ठीक है ये दी हुई है आपको लोकेट सीओएम बोला है लोकेट सीओएम सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये लाइक करना है बताना है साइड लेंथ के टर्म्स में आप बताएंगे साइड लेंथ आपका एल मान के चलो आप गिवन साइड लेंथ एल है ठीक है एल इज द साइड लेंथ बताओ क्या आएगा इन सब जगहों पे मुझे लगता है कि ना कि ऑफलाइन क्लासेस अगर होते तो काफी अच्छा होता क्योंकि मैं आपके कॉपीज वगैरह भी चेक कर सकता हूँ कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं तो ये काफी कन्वीनियंट होता हमारे लिए
सर ए बाय सर एल बाय टू और एल बाय टू रूट थ्री। आपने पहले ये बताओ मुझे कि एसी का मास के कंपैरिजन में एबी और बीसी का कितना मास लिया है? सर क्या? जैसे सारे मासेस को आइडेंटिकल लिया या डिफरेंट मासेस लिया आपने? सर आइडेंटिकल लिया है। मतलब थिकनेस डिफरेंट है फिर भी मास सेम होगा? मतलब आपको अगर कोई एक हल्का मतलब एक पतला चीज उठाने बोले और एक मोटा चीज उठाने बोले, दोनों आपको सेम हैवी लगेगा? नहीं सर। फिर इतनी कॉमन सेंस नहीं है। सर L by 2 comma L root 3 by 5। आप पहले ये बताइए कि आपने AC के कंपैरिजन में AB और BC का मास कितना लिया? सर AC का M और AB और BC का 2M each। सर हाँ मैंने M और 4M 4M लिया। M और 4M 4M ही तो होगा, M और 2M नहीं होगा, 4M ही होगा। अभिलाष बताइए बेटा क्यों लिया आपने 4M? सर क्योंकि वो वॉल्यूम निकालना है ना सर, पाई आर स्क्वायर माने आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इसलिए टू टाइम्स तो वो मास फोर टाइम्स हो जाएगा इसलिए। सर फिर वो दो एबी और बीसी का ठीक है बेटा सुन लिया। ठीक है ठीक है अब मैं बोल देता हूँ, सुनिए आपने। ठीक है जैसे थिकनेस डबल करने से बेसिकली क्या है, रेडियस डबल हुआ है ना या लेंथ डबल हुआ है, आप ये बताओ मुझे। रेडियस बताओ, रेडियस डबल हुई है। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ इस रॉड लिखेंगे, इस रॉड का जब वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इनटू एल, यही तो लिखेंगे ना, राइट? हां सर। हां सर। और पाई आर स्क्वायर इनटू एल किया आपने, पाई आर स्क्वायर इनटू एल किया और रेडियस में 2r डाल दिया, तो क्या चार गुना नहीं हो गया मास आपका? हां सर। समझ आ रही है? यस सर। इसमें मतलब ऐसे सोच के देखो, एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है, इसका मतलब रेडियस अगर आपको डबल दिखता है ना तो साइज डबल नहीं हुआ है। मतलब वो अगर आप एरिया के कंपैरिजन में देखोगे तो चार गुना साइज हो गया है। जैसे आप रोटी खाते हो, ये हमें यू नो बचपन से हमारे पेरेंट्स जो है ना वो धोखा देते हैं थोड़ा। जैसे हमें खाना खाने का मन करता है तो वो क्या करते हैं, जैसे रोटी हमारे लिए ना थोड़ा बड़ा बनाते हैं वो। जैसे एक साइकोलॉजिकल होता है ना कि हमें तीन रोटी नहीं खाना है, हमें दो ही रोटी खाना है, तो वो क्या करते हैं, वो दो रोटी खिलाते हैं बट रोटी बड़ा बना देते हैं। अब हमें दिखता है ये ना कि रोटी यार थोड़ा बड़ा हो गया है। थोड़ा बड़ा होने से कितना फर्क पड़ रहा है आपको समझ में आएगा। तुम सोच के देखो, जैसे रोटी आपको डबल साइज का सपोजली मिल रहा है, जैसे पहले इतनी बड़ी रोटी बन रही थी अभी इतनी बड़ी रोटी बन रही है, ठीक है? तो आपको दिख रहा है क्यों कि रेडियस डबल हो गया है। रेडियस डबल होने से आपने दो गुना साइज का रोटी नहीं खाया है, आपने चार गुना साइज का रोटी खाया है। आपको ये रियलाइजेशन हो रही है? आपको रियलाइजेशन हो रही है? इसका मतलब मम्मी ने कितना बड़ा झूठ बोल के आपको सोचो कि खिलाया होगा। मतलब अगर मेरी मम्मी ने तो मेरे साथ ये काम किया था तब तो मुझे नहीं समझ आती थी, ये तो बड़े होने के बाद समझ आता कि यू नो पेरेंट्स हमें कैसे कैसे यू नो खिलाते हैं यू नो खाना। तो ये चीज होता है यू नो कि आप यू नो ये जो जो यू नो डायमेंशंस के कंपैरिजन में जब मासेस को कंपेयर करते हैं तो हमेशा सोचा करो कि कौन से पैरामीटर को चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। बिना सोचे समझे नहीं लिखा करो। अगर जैसे एक स्फीयर है, सोचो स्फीयर में रेडियस आप डबल करोगे तो स्फीयर में रेडियस डबल करने से आपको समझ आ रहा है वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा, आठ गुना हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? आप इसमें सोच के देखो, बहुत लोग क्या करते हैं जैसे डाब खरीदने जाते हैं, डाब समझते हैं आप, नारियल पानी? हाँ सर। हाँ सर। तो नारियल पानी खरीदने जाओगे ना तो देखोगे कि एक वो देता है छोटा डाब देता है, छोटा डाब देता है और उसका लेता है 25 रुपया, ठीक है? और उससे एक थोड़ा सा बड़ा दिखता है और उसका बोलता है वो 30 रुपया बोलता है। अब जिसको दिखता है कि यार ये तो थोड़ा सा ही बड़ा है, यू नो ऑलमोस्ट डबल भी नहीं है, क्यों लूंगा, यू नो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका सोचो कितना स्टुपिडिटी है। तुम सोच के देखो, 5 रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा पड़ रहा है और उसका वॉल्यूम अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है, अच्छा खासा मतलब 1.5 times तो दिख ही रहा है। तो सोच के देखो, अगर रेडियस आपने 1.5 times किया है, 3/2 times किया है, तो वॉल्यूम कितना गुना हो गया, आपको समझ आ रहा है? 3/2 का क्यूब करो तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, तो 27/8 हो गया है, मतलब तीन गुना से ज्यादा वॉल्यूम आपको मिल रहा है पानी, तीन गुना से ज्यादा। आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हां सर। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो हमेशा, क्योंकि ये थिकनेस से, वॉल्यूम से, रेडियस से, किसको चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, ये हमेशा आपको सोचना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे रॉड था, मैं सोच रहा था कि स्ट्रिप से रेटिंग। क्या स्ट्रिप्स सोच रहे हो? स्ट्रिप्स कैसे है, ये बेकार की बातें कर रहा है। ये स्ट्रिप्स नहीं है, रॉड्स हैं।
ओके एनीवेज चलो ठीक है, अगर आप इतना सोच रहे थे तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम स्ट्रिप्स भी सोच के अगर किया तो सही किया होगा, ठीक है, तो उस केस में आपने सही किया होगा, बट फिलहाल के लिए रॉड्स ही थे हमारे लिए, और थिकनेस उसी का मतलब निकलता है ना, थिकनेस तो रॉड्स के लिए देंगे आपको. सो रॉड्स के लिए रॉड्स हैव, अच्छा इसको एक कम हो गया, जैसे रॉड्स हैव वॉल्यूम, ये आपका पाई आर स्क्वायर इनटू एल कर रहे हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इनटू एल, इसका मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू आपकी रेडियस की स्क्वायर है. सो देयरफॉर रेडियस अगर डबल हुई है, आर टू इक्वल टू टू आर वन इंप्लाइज वी टू इक्वल टू फोर वी वन, एंड देयरफॉर आपका मास जो लिखेंगे हम एम टू इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एम वन लिखेंगे, ठीक है. तो अब हम सबसे पहले तो लाइनोसिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा लाइनोसिमेट्री तो एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको दिख ही रहा है ऑलरेडी, दिस इज एलओएस, और इस एलओएस पे मैंने इसकी मास को एम मान लिया है, ठीक है, ये मास एम है, और इन दोनों का मास को तो आप इनके बीचों बीच पे मानोगे, और ये मासेस आपको कितने चूज करने हैं, कितने चूज करने हैं, 4m और 4m, राइट, और इनको कनेक्ट करना है. अब ये बताओ मुझे, क्या हमें ये वाली हाइट पता है क्या, डू वी नो दिस हाइट? हां सर. यस सर. l by 2 sin 60. यस सर. है ना, राइट. तो इस 4m और 4m को उठा के हम यहाँ पे पटक दें, ये 4m को उठाया यहाँ पे डाल दिया, और ये 4m को उठाया यहाँ पे डाल दिया, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे 8m मान लिया. तो अब क्वेश्चन मेरा दो पॉइंट मास का है ना, एक 8m और एक m, है ना, दिख रही है आपको, और इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो तो 8m की तरफ शिफ्टेड होगा, तो 8m की तरफ मैं शिफ्टेड रख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज दिस सीजन, और इसका जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस आएगी, इसको YCM कह लेते हैं. तो YCM मैंने किस तरफ, किसकी तरफ से मेजर किया है, m की तरफ से या 8m की तरफ से? m की तरफ से. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 8m डिवाइडेड बाई 9m इंटू द टोटल डिस्टेंस विच इज l बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2, है ना, तो ये हो गया 2 to the 4, 4 2 चला गया, तो 2 रूट 3 इंटू l डिवाइडेड बाई 9, क्लियर है? यस सर. और x कोऑर्डिनेट तो आपको दिख ही रहा है, l बाई 2 है, xcm तो आपका l बाई 2 रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं. समझ आई सबको कैलकुलेशन कैसे हो रही है? हाँ सर. ओके ठीक है.